हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी मित्तल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का। जो डिस्कशन जो हमने पिछले वीडियो में भी किया था, जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था, उसी को हम लोग फर्दर कैरी करेंगे और इसी के साथ हम जो टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है उनको भी करने वाले हैं। ठीक है, सो जो भी क्लास के नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी मैं नोट्स बना रही हूँ तो डेफिनेटली मैं वो आपको CA फाइनल चैनल करके एक जो टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी का, मैं उस पर आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको हमारी क्लासेस जो है जैसे यूट्यूब पे चल रही है, हमारा एक ऐप भी है, आप उससे जो है प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। प्लस में आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, उसमें आपको स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेगा, मतलब आपको प्रॉपर एक फुल फ्लेज कोर्स मिलेगा, आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आप अपने एजुकेटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो लाइव क्लास के अंदर, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा जब तक आपका सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, आपकी वीकली टेस्ट भी होंगी। और जैसे वीकली टेस्ट होते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन में, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपका टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। बिकॉज यू नो समटाइम्स क्या होता है कि जब हम लोग अपना कोई पेपर सॉल्व करते हैं सो हमें अपनी मिस्टेक्स के बारे में नहीं पता होता, सो इट इज़ बेस्ट कि हम जो है अपनी टेस्ट का एनालिसिस भी करें। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आपकी स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स होंगी, स्टडी मेटल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, स्टडी प्लानर बनेगा एंड पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप लोग जो है ऑल दीज आर द बेनिफिट्स जो कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। दीज आर द क्लासेस जो कि अभी करंटली गोइंग ऑन द ऐप, तो आप जाके ऐप को विजिट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ, आपको ऐप डाउनलोड करनी है और अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन 36 मंथ्स, 24 मंथ्स, मतलब बेसिकली आप अपनी प्रेफरेंस, अपनी अटेम्प्ट के हिसाब से आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका अटेम्प्ट 24 मंथ्स मतलब एक साल के अंदर है, देन जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ 24 मंथ्स। एंड अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो आपको हार्डली 844 रुपीज़ पर मंथ का पड़ेगा। व्हेन कम्स टू 36 मंथ्स सब्सक्रिप्शन तो वो आपको 650 रुपीज़ पर मंथ का पड़ेगा। एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ माई कोड विच इज़ मित्तल MITTAL, ताकि आपको जो है 10% का ऑफ मिल सके। ठीक है, सो दिस इज़ ये अभी आज का हम लोग जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कौन कौन आ गया है। सविता इज सेइंग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सविता, कैसे हो आप? सविता इज सेइंग यू आर लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट टुडे, ओके। आकाश इज आस्किंग आप जमशेदपुर से हो क्या? मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू आकाश। प्रतीक सिंह, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओके। सो मैं स्टार्ट करूँ अपना क्लास। सो कल हमने क्या किया था? कल हमने बेसिकली देखा था कि सेक्शन 6 क्या है। सेक्शन 6(1) हमने पढ़ा था, इंडिविजुअल वाला हमने बहुत अच्छे से किया था उसको। सेक्शन 6, 6(1)(a) ये जो है हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था। 6(1)(3) भी हमने कर लिया था, 6(1)(2) भी कर लिया था, और 6(1)(3) हम लोग बेसिकली कंपनी वाला डिस्कशन कर रहे थे। कंपनी में क्या हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई इंडियन कंपनी है तो वो ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया, और अगर कोई अदर देन इंडियन कंपनी है, बेसिकली फॉरेन कंपनी है, तो उसके लिए आपको पोएम चेक करना है, पोएम चेक करना है कि वो इंडिया के अंदर है या नहीं। ठीक है, सो अगर इंडिया के अंदर पोएम आपको चेक करना है तो आपको ये भी चेक करना होगा कि उसका एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं। तो ये हमारा कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो आज का हमारा जो डिस्कशन होगा क्लास का, वो सेक्शन 6(3) के ऊपर होगा। बेसिकली हम जो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का जो डिस्कशन कर रहे थे, कल हमने पैसिव इनकम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो उसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंड देन हम टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, अकॉर्डिंगली हम अपने लेक्चर को फिर कंक्लूड करेंगे। सविता सिंह, इफ़ यू विजिट महाराष्ट्र वी विल मीट, डेफिनेटली डेफिनेटली, और अगर आप कभी दिल्ली आए तो प्लीज़ मुझे बताना, हम लोग फिर साथ में मिलेंगे। ठीक है, सो आज मैं डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। मैं कोई रिवीजन ही अभी नहीं करा रही, बिकॉज रिवीजन मैं एंड में रखूंगी कि हमने कल क्या पढ़ा था, बिकॉज हमें क्वेश्चंस भी करने होंगे, राइट। सो योगेश इज सेइंग, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मेरी वीडियोस पे इतने डिसलाइक क्यों आ रहे हैं, आई एम टोटली अनएबल टू अंडरस्टैंड, बट कोई बात नहीं, अपने कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। या सो योगेश इज सेइंग गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू योगेश। सो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी निकालने के लिए ए कंपनी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया, एक जो कंपनी है वो रेजिडेंट कब मानी जाएगी, जब या तो वो इंडियन कंपनी होगी या फिर उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है
वो उस ईयर में इंडिया के अंदर हो, ठीक है, ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। फिर उसमें लिखा था कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर ये स्टडी मटेरियल का अगर मैं आपको पेज नंबर बोलूँ तो इट इज़ ऑन पेज नंबर 2.11 पे, पेज नंबर पे है, इट इज़ ऑन पेज नंबर 2.11, ठीक है। सो मैं भी लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हमारा जो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का जो डिस्कशन है हम क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेंड कर पाएं, एंड देन हम लोग फिर आगे फिर हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एडिशन कंडीशंस भी तो करानी है, वो सारा हम लोग बाद में करेंगे। सो अभी मैं कमेंट सेक्शन नहीं देख रही हूँ, ठीक है, और अभी मैं सिर्फ पढ़ाने पे फोकस कर रही हूँ। जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट खत्म होगा फिर मैं कमेंट सेक्शन पे आऊंगी, सो डेट आपका जो ये डिस्ट्रैक्शन है वो ना हो, ठीक है। सो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी का अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है कि क्या वो इंडियन कंपनी है। अगर वो इंडियन कंपनी है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस तो इंडिया में है, ये तो कंफर्म हो गया। या फिर अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया गया है, और अगर, या अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है तो क्या बोला है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, कि उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है उस ईयर में इंडिया के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात करूँ तो वो क्या बोलता है, एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि मीन्स अ प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज ए होल आर इन सब्सटेंस। मतलब कि जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, इन शॉर्ट मैं ये बोल सकती हूँ कि जो आपके की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस हैं जहाँ पे लिए जाते हैं वो आपके प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आता है। मतलब बेसिकली बिजनेस को चलाने के लिए जो बिजनेस के मेजर मेजर डिसीजंस होते हैं, कि सपोज करो कोई आपको फैक्ट्री ओपन करनी है, कोई आपको हेड ऑफिस ओपन करना है, सो ये जो इस टाइप के जो मेजर मेजर डिसीजंस होते हैं एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड, वो आपका क्या माना जाता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो जहाँ पे लिए जा रही हैं दैट इज द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ इसके लिए क्या हुआ कि एक सर्कुलर निकाला गवर्नमेंट ने, क्या बोला कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की डिटरमिन करने के लिए चलो हमें कुछ गाइडलाइंस निकाल देते हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट निकालने के लिए हम कुछ गाइडलाइंस निकाल देते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया। अब वो सर्कुलर बोलता है कि आपको जो है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया देखना है, कि अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो पोएम आपका इंडिया में नहीं माना जाएगा। मतलब कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको पोएम जो है आपका इंडिया के अंदर होना चाहिए, ठीक है, पोएम आपका इंडिया के अंदर होना चाहिए, आपको देखना है कि आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं। अब क्योंकि ये आउटसाइड इंडिया के बारे में बात कर रहा है, डैट मीन्स अगर मेरा जो बिजनेस है वो आउटसाइड इंडिया होगा तो डैट मीन्स मेरा पोएम जो है वो इन इंडिया नहीं है। अगर मैं एक्टिवली बिजनेस ऑपरेट बाहर से कर रही हूँ, आउटसाइड इंडिया से कर रही हूँ, तो डैट मीन्स मेरा मैनेजमेंट जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर नहीं है, और क्योंकि वो इंडिया के अंदर नहीं है तो क्या मैं यहाँ पे रेजिडेंट मानी जाऊंगी? द आंसर इज नो, मैं यहाँ पे रेजिडेंट नहीं मानी जाऊंगी। मैं यहाँ पे क्या मानी जाऊंगी? यहाँ पे मैं नॉन रेजिडेंट मानी जाऊंगी। दैट मीन्स इन शॉर्ट मैं ये भी बोल सकती हूँ कि अगर मेरा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया की जो भी कंडीशंस आएंगी, जो भी इसके चार कंडीशंस हैं 1, 2, 3, 4, अगर ये मेरी सेटिस्फाई हो जाती हैं, इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन मैं क्या बन जाऊंगी? मैं नॉन रेजिडेंट बन जाऊंगी। इन दैट केस मैं नॉन रेजिडेंट बन जाऊंगी क्योंकि मेरी ऑल कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो गई हैं, ठीक है। सो जो भी केस स्टडीज के क्वेश्चंस आएंगे, जो आप हम एक टेस्ट योर नॉलेज का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें भी आपको इस तरीके से कंडीशन नंबर 1, 2, 3, 4 करके सॉल्व करना है, तो ही आपको पता चलेगा कि अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशंस तो वो जो आपका एंटिटी है, जो आपकी कंपनी है, वो आपकी नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी, ठीक है। नाउ सेकेंड, अगर सपोज करो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस आपके दो स्टेज में आपको पता लगाना होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। आपको ये पता लगाना होगा कि वो कौन सा पर्सन है जो ऐसे की मैनेजमेंट डिसीजंस ले रहा है, वो कौन सा पर्सन है जो ऐसे की मैनेजमेंट डिसीजंस को ले रहा है, और आपको ये भी पता लगाना होगा कि वो कहाँ पे ले रहा है उन डिसीजंस को। सो आइडेंटिफाई करो उस पर्सन को जो की मैनेजमेंट डिसीजंस ले रहा है,
who is taking the key management decisions. और कहां पे ले रहा है, मतलब कि डिटरमिन द प्लेस. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई वो जो पर्सन है, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो बैठकर कहां पे डिसीजन ले रहा हो, कि सपोज करो कि वो कहीं और पे बैठ के डिसीजन ले रहा हो लेकिन इम्प्लीमेंट कहीं पे हो रहा हो, तो उससे कोई लेना देना नहीं है. इम्प्लीमेंटेशन से अपने को कोई लेना देना नहीं है. वो कहाँ पे डिसीजन ले रहा है, डैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें पोएम में कंसिडर करनी है. सेकेंड, अगर आपको पोएम को डिफाइन करना है तो ये सिर्फ उन्हीं एंटिटीज पे एप्लीकेबल है एज पर सर्कुलर जिनके टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है. जो पोएम आप पे एप्लीकेबल है, जो जब भी आपको पोएम देखना है तो कब देखना है आपको, जिनके टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है. अगर 50 करोड़ से कम है तो फिर क्या देखना है, तब उस पे पोएम एप्लीकेबल नहीं है. तो इस केस में अगर सपोज करो कोई एंटिटी है, कोई फॉरेन कंपनी है, उसके टर्नओवर से 40 करोड़ है, उसके टर्नओवर अगर 40 करोड़ है तो क्या इसमें मुझे पोएम के डेफिनेशंस, ये सारी चीजें कंडीशन चेक करनी होगी. द आंसर इज नो. इस केस में वो डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट बन जाएगा. इस केस में वो डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट बन जाएगा क्योंकि उसकी जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है. आई होप दिस इज क्लियर. आई एम जस्ट चेकिंग द कमेंट सेक्शन नाउ कि अगर कोई क्वेरीज होंगी तो एटलीस्ट मैं उसको बता दूं. आई विश यू, थैंक यू सविता. ओके, थैंक यू सविता. योर सलादीन इज सेइंग लो मैं आ गया स्टूडियो. वेलकम योर सलादीन. संतोष इज सेइंग गुड मॉर्निंग मैम. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू संतोष. या सो हम लोग आगे बढ़े. ठीक है, आई होप यहाँ तक जो भी डिस्कशन चला वो आपको क्लियर होगा. नहीं क्लियर होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग स्टडी मटेरियल से भी पढ़ने वाले हैं. दिस इज द बेसिक, बिकॉज मुझे ऑब्वियसली आपको इंट्रोडक्शन देना था. ठीक है, नाउ अब मुझे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया की जो है कंडीशंस को देखना है. जो मेरा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, उसकी कंडीशंस को देखना है. बेसिकली पोएम को डिफाइन करने के लिए आपको एक्टिव बिजनेस आउटसाइड की इंडिया की कंडीशंस को देखना है. अब कौन कौन सी कंडीशंस है, लेट्स सी वन बाय वन. सो सबसे पहले आपकी आती है कंडीशन नंबर वन. सो कंडीशन वन क्या आती है, कंडीशन वन कहती है कि ए कंपनी शैल बी सेट टू बी एंगेज इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. मतलब कि किसी कंपनी को हम ये बोलेंगे कि वो बाहर बिजनेस कर रही है, एक्टिवली बिजनेस कर रही है, बाहर से ऑपरेट हो रही है. कब कब होगा, अगर उसकी जो पैसिव इनकम है वो 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम से ज्यादा नहीं है, कि जो उसकी पैसिव इनकम है वो जो है इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम. अब पैसिव इनकम हमने जो है कल ऑलरेडी कवर कर लिया था. लेट्स रिवाइज कि पैसिव इनकम क्या होता है. जो डेफिनेशन है वो आपका गिवन है 2.13 स्टडी मटेरियल में. ठीक है, तो पैसिव इनकम क्या होता है कि इट इज द एग्रीगेट ऑफ, ये एग्रीगेट है किसका, इनकम फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस वेयर बोथ द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज और फ्रॉम टू इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. कि अगर आप सेल और परचेज करते हो, अगर आप सेल और परचेज करते हो अपने किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से, ठीक है, तो वो आपकी पैसिव इनकम में आएगा. क्योंकि बेसिकली पैसा आपका घर में ही रह गया. जो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मम्मी ने आपको अगर पैसे दिए तो आपके आपके पास बाहर से तो कोई पैसे नहीं आए ना, तो वो तो घर में घर के पैसे थे, एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन में चले गए. दैट इज नॉट एनी इनकम. सिर्फ एक पॉकेट से निकाल के आपने दूसरे पॉकेट में रख दिए तो ऑब्वियसली वो आपकी इनकम में नहीं आएगा. ठीक है, सो व्हाट इज पैसिव इनकम, इट इज द एग्रीगेट ऑफ, एग्रीगेट ऑफ क्या, इनकम फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस वेयर बोथ द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज फ्रॉम और टू इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम. जैसे आपकी रॉयल्टी की इनकम हो गई, डिविडेंड हो गई, बिकॉज आप उसमें कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो. अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू
₹10 लाख में आपने परचेज करी थी, आप ₹50 लाख में बेच रहे हो, क्या आपने उसमें कुछ काम किया है? द आंसर इज नो। वो तो उस एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया की वैल्यू अपने आप बढ़ गई है, उसमें आपने कुछ भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया है, एंड हैंस इट इज योर पैसिव इनकम। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं जैसे भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ से अगर मुझे कोई इनकम होती है तो क्या वो पैसिव इनकम है या एक्टिव इनकम है? दैट इज माई एक्टिव इनकम, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट करनी पड़ रही है। आई एम इन्वेस्टिंग माई एनर्जी हेयर सो डेट मुझे इनकम हो सके, तो वो मेरी क्या होगी? एक्टिव इनकम होगी। इट्स नॉट अ ग्लास सविता, ये बॉटल का जो वो होता है ना ढक्कन, वो वाला है, ग्लास नहीं है ये। या सो आई होप यहां तक सही समझ में आया। नाउ ये बोलता है कि पैसिव इनकम आपकी जो है 50% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ अब मैं यहां पे एक एग्जांपल लेती हूँ। ये चार कंडीशंस हो गई, मतलब मैं यहाँ पे पहले लिखती हूँ। कंडीशन वन क्या है आपकी, आपकी आपकी जो पैसिव इनकम है वो लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे ना चारों कंडीशंस में कहीं पे लेस देन लिखा हुआ है, कहीं पे लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। तो अगर मैं पैसिव इनकम की बात करूँ तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, डैट मीन्स 50% ऑफ टोटल इनकम तक आपकी इनकम हो सकती है। डैट मीन्स 50% ऑफ टोटल इनकम तक आपकी इनकम हो सकती है पैसिव इनकम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब सपोज करो, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले रही हूँ साथ के साथ। ये है आपकी ए लिमिटेड, ये आपकी इंडिया में है, और ये बी लिमिटेड ये आपकी यूएसए में है, ठीक है। ए लिमिटेड आपकी इंडिया में है, बी लिमिटेड आपकी यूएसए में है, और इसमें इसका जो है 55% लेट से शेयर है। दोनों जो है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं, दोनों जो है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं। नाउ व्हाट हैपेंस कि जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड जो है उसकी उसकी इंडिया से, उसकी जो है इंडिया से जो है टोटल इनकम, टोटल इनकम में बात करूं तो यहाँ पे तो 10 करोड़ हो रही है और यहाँ पे से 50 करोड़ हो रही है, ठीक है। सो अगर अब मुझे पोएम ए लिमिटेड का अगर मैं चेक करूं तो ऑब्वियसली क्योंकि ये इंडियन कंपनी है तो ये तो रेजिडेंट हो गई। अगर मैं ए लिमिटेड की बात करूं तो ये आपकी इंडियन कंपनी है तो ये तो आपकी ऑब्वियसली रेजिडेंट हो गई। यहाँ पे आपको कुछ नहीं चेक करना, इट इज ऑलरेडी रेजिडेंट। बट अगर मैं बी लिमिटेड की बात करती हूँ तो मुझे यहाँ पे चेक करना है क्या कि क्या इसका पोएम इंडिया में है या नहीं है, ठीक है। अगर पोएम इंडिया में है तो ये रेजिडेंट बन जाएगी, अगर पोएम इंडिया में नहीं है तो ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। पोएम इंडिया पे चेक करने के लिए मुझे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया देखना है। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया देखने के लिए मुझे चार कंडीशंस देखनी है। तो पहली कंडीशन आती है आपकी पैसिव इनकम वाली, कि आपकी जो पैसिव इनकम है वो लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम होनी चाहिए। तो सपोज करो ये जो बी लिमिटेड है उसकी इंडिया से जो टोटल इनकम है वो 10 करोड़ हो रही है, यूएसए से 50 करोड़ हो रही है, तो जो टोटल ये जो अर्न कर रहा है वो 60 करोड़ हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि पोएम आपका तभी लगेगा जब आपकी जो टर्नओवर है वो क्या, वो 50 करोड़ से एक्सीड करती हो। तो क्या इस केस में आपकी टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड कर रही है? द आंसर इज यस, 50 करोड़ से एक्सीड कर रही है। तो क्या आपको पोएम वाला टेस्ट करना है, क्या आपको एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया वाला टेस्ट करना है? द आंसर इज यस, आपको यहाँ पे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया वाला टेस्ट भी करना है, ठीक है। सॉरी, यस। सो आपको जो है एक्टिव आपको जो क्या करना है, आपको एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया वाला भी चेक करना है। बेस्ट ऑफ लक सविता, आपका एग्जाम आई विश अच्छा हो।
ठीक है, और डेफिनेटली अच्छा होगा, यू आर गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, बाय, टेक केयर, ओके, या अब नाउ सपोज करो इस टोटल इनकम में, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, इसको ध्यान से समझना, इस टोटल इनकम में आपने एक परचेज करी सी लिमिटेड से, जो आपकी नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, ठीक है, और आपने सेल करी से डी लिमिटेड को, जो आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, ठीक है, तो इस सेल की वैल्यू आई से 5 करोड़ यहाँ से आपने सेल करी और यहाँ पे आपने सेल करी 25 करोड़, ठीक है. नाउ इस टोटल इनकम में आपके जो डिविडेंड है या रॉयल्टी वगैरह जो अमाउंट है वो से 5 करोड़ है और ये आपका रिमेनिंग आपका से 10 करोड़ है, ठीक है. सेकेंड इसको हम यहाँ पे 3 करोड़ कर देते हैं ताकि हमारा ये 10 करोड़ फिट बैठ जाए, ठीक है. परचेज आपने ए लिमिटेड से करी जो कि आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, सेल आपने डी लिमिटेड को करी जो आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, सो यहाँ पे करते हैं 2 करोड़ और यूएसए में है आपका ये, इसको करते कितने 25, 35, 15 करोड़ रुपए. सो दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आपको बताना है कि क्या इसमें, आपको ये बताना है कि क्या इसमें आपका ये पैसिव इनकम की डेफिनेशन में आता है या नहीं, ठीक है. नाउ आपको ये चेक करना है कि पैसिव इनकम जो है लेस देन इक्वल टू 50% ऑफ टोटल इनकम है या नहीं. अब आपकी टोटल इनकम कितनी है 60 करोड़, इसमें से आपकी पैसिव इनकम, पहला पॉइंट क्या आता था कि आपने सेल और परचेज किससे की हो, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से करी हो, सेल और परचेज आपने किससे की हो, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से करी हो. तो देखो यहाँ पे आपने परचेज जो है नॉन एसोसिएटेड से करी, पहले पॉइंट में यहाँ पे आपने परचेज नॉन एसोसिएटेड से करी, सेल एसोसिएटेड को करी, तो क्या ये पहले पॉइंट ऑफ पैसिव इनकम में आएगी? द आंसर इज नो, ये नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परचेज और सेल दोनों जो है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से होना चाहिए, सो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका नहीं आएगा पैसिव इनकम में. डिविडेंड और रॉयल्टी आपके पैसिव इनकम में आएगा. परचेज आपने ए लिमिटेड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से करी, सेल आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से करी, तो मतलब ये आपका कितना, तो ये ऑब्वियसली पैसिव इनकम की डेफिनेशन में आएगा, तो ये कितना होगा आपका पैसिव इनकम की डेफिनेशन के हिसाब से, ये आएगा आपका, ये भी आपका पैसिव इनकम की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, टोटल इनकम कितनी है 60 करोड़ रुपए, टोटल इनकम कितनी है 60 करोड़ रुपए, पैसिव इनकम कितनी है 15, डिविडेंड वाली लूंगी 15 करोड़ और 17 करोड़, तो 7, 5, 12, 31, 32 करोड़ आपके जो है पैसिव इनकम आ गई, 32 करोड़ जो है आपकी पैसिव इनकम आ गई एज पर द पैसिव इनकम के डेफिनेशन, ठीक है. सो टोटल में से आप पैसिव इनकम देखो 32 करोड़, एंड जब आप डिवाइड करते हो 32 डिवाइडेड बाय 60, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 50% आ रहा है. तो क्या ये जो हमने एग्जाम्पल बनाया इसमें क्या हमारे जो एक्टिव बिजनेस है वो आउटसाइड इंडिया है? द आंसर इज नो, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, क्योंकि जो आपकी पैसिव इनकम है वो ऑब्वियसली ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है. इसको हम एक और एग्जाम्पल से करेंगे, जब हम लेट्स सी इसको हम करते हैं टेस्ट योर नॉलेज के एक क्वेश्चन से, उससे जल्दी समझ में आएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हम इसको बाद में भी करेंगे इसको अच्छे से सॉल्व, लेकिन हम सिर्फ अभी पैसिव इनकम की रेस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेट्स सी कैसे कर रखा है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहते हैं कि दानुबे लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एम. जो दानुबे लिमिटेड है वो एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट की गई कहां पे, कंट्री एम के अंदर, एंड जो 55% ऑफ शेयर्स है आर हेल्ड बाय महानदी प्राइवेट लिमिटेड. जो 55% है उसके शेयर्स जो है वो कौन हेल्ड कर रहा है? महानदी प्राइवेट लिमिटेड, एक जो इंडियन कंपनी है. दानुबे लिमिटेड हैज इट्स प्रेजेंस इन इंडिया आल्सो. दानुबे लिमिटेड की जो प्रेजेंस है वो इंडिया के अंदर भी है. द डिटेल्स रिलेटिंग टू दानुबे लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 आर एज अंडर. सो देखो कई बार क्या होगा कि जैसे यहाँ पे लिखा होगा इंडिया और यहाँ पे लिखा होगा कंट्री एम,
तो हो सकता है, लेट मी टेल यू, कि हो सकता है कि समटाइम्स क्या होता है कि ये जो ऊपर लाइंस लिखी हुई होती है ना, हम लोग ये ऊपर की लाइंस नहीं पढ़ते हैं. वी डू नॉट रीड दिस ऊपर की लाइन कि क्या लिखा है, किसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है. सो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो किसकी गिवन इन्फॉर्मेशन, दानुबे लिमिटेड की है. नाउ अगर कोई ये लाइन को मिस कर देगा तो व्हाट इज द मिस्टेक, बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली बच्चों के साथ देखा है कि वो क्या करते हैं, दे जस्ट रीड द इंडिया एंड कंट्री एम. सो जब इंडिया की बात आती है ना तो दे थिंक कि महानदी का डेटा गिवन है, बट इट इज नॉट ट्रू. क्यों? क्योंकि वो तो दानुबे का ही पूरा का पूरा डेटा गिवन है. सो चार कंडीशंस में से जो आपकी इनकम वाले पॉइंट है वो आपके ये हैं, ठीक है. चार डिसीजन, चार पॉइंट में से आपका जो इनकम वाला पॉइंट है वो आपका ये है. सो ये क्या कह रहा है कि इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशंस जो दानुबे लिमिटेड है, इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशंस कितना हुआ, 25 करोड़ और 50 करोड़. ट्रेडिंग ऑपरेशन से जो आपको इनकम हुई वो 25 और 50 करोड़ हुई, ठीक है. अब इस फिगर में द अबव फिगर इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर परचेजेस आर फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बट सेल्स आर टू अनरिलेटेड एंटरप्राइजेस. अब इस फिगर में क्या है कि ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन हैं जहाँ पे आपने परचेज तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से किया बट जो सेल है वो आपने अनरिलेटेड पार्टीज को किया. तो जो सेल और परचेज क्योंकि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में नहीं हुआ है तो क्या ये आपके पैसिव इनकम की डेफिनेशन में आएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि सेल और परचेज आपकी दोनों किससे होनी चाहिए? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से होनी चाहिए अगर मैं पैसिव इनकम की डेफिनेशन देखती हूँ तो, ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट कि इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर सेल्स आर टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बट परचेजेस आर फ्रॉम अनरिलेटेड एंटरप्राइजेस, कि सेल तो आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को करी बट जो परचेज है आपने अनरिलेटेड पार्टीज को करी, तो क्या ये भी आपकी पैसिव इनकम की डेफिनेशन में आएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि पैसिव इनकम की डेफिनेशन में आने के लिए दोनों ही, जो चाहे सेल हो या परचेज हो, वो दोनों आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शंस वेयर बोथ परचेजेस एंड सेल्स आर फ्रॉम और टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. ऐसे ट्रांजेक्शंस जहाँ पे जो आपके परचेज भी है या जो आपकी सेल भी है वो आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से हुई है. सो इस केस में अगर आप देखो कि ये जो आपकी 5 और 10 वाली जो फिगर है ये आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से हुई है, सो दैट मीन्स ये आपकी पैसिव इनकम के अंदर आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है, इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उससे आपको मिल रहा है, सो आपका 20 और 15 करोड़ का भी आपका पैसिव इनकम की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि पैसिव इनकम में आपकी इंटरेस्ट और डिविडेंड भी आती है, ठीक है. सो अब नाउ लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन वन बाय वन करके. मैं स्टडी मेटेरियल का ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपका जो स्टडी मेटेरियल के क्वेश्चन भी है वो साथ के साथ सॉल्व होते रहे, ठीक है. नाउ एक कंपनी है दानुबे लिमिटेड, उसकी ट्रेडिंग ऑपरेशन से इंडिया में भी है और से कंट्री एम में भी है, सो इंडिया में आपकी ट्रेडिंग ऑपरेशन से 25 करोड़ है और यहां पे 50 करोड़ है. इसमें क्या क्या इंक्लूसिव है? परचेज आपने एसोसिएटेड से करी, सेल आपने अनरिलेटेड को करी, ये दे रखा है 2 और 4. नेक्स्ट आता है आपका सेल आपने एसोसिएटेड को करी, परचेज आपने अनरिलेटेड को करी, अनरिलेटेड से करी, ये आपका दे रखा है 3 और 5. थर्ड है आपका दोनों एसोसिएटेड से, परचेज और सेल दोनों जो है एसोसिएटेड से करी, तो ये आ गया आपका 5 और 10, ठीक है. फिर इसी के साथ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड भी दे रखा है, ये पॉइंट नंबर ए हो गया सपोज, और ये पॉइंट नंबर बी आपका आ गया इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये दे रखा है 20 और 15. मतलब कि अगर मैं दानुबे लिमिटेड देखूं तो दानुबे लिमिटेड को ये सारी इनकम हो रही है,
ठीक है. नाउ लेट सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो अगर मैं दानुबे लिमिटेड की, पहला पॉइंट क्या बोलते हैं कंडीशन वन, कि आपकी जो पैसिव इनकम है वो 50% तक ही हो सकती है, 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सो इन दिस केस मैं क्या करूंगी कि टोटल इनकम कितनी है दानुबे लिमिटेड की, लेट सी द टोटल इनकम ऑफ दानुबे लिमिटेड 25 करोड़ है, 50 करोड़ है. ये तो ऑब्वियसली ये तो बाइफर्केशन गिवन है. सो ये तो टोटल इनकम में आपका नहीं आएगा जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 है, बिकॉज ये क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, दैट द अबोव फिगर इंक्लूड्स, अबोव फिगर में कुछ बाइफर्केशन दे रखा है कुछ पॉइंट्स का. ठीक है. सो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट मेरी टोटल इनकम का पार्ट नहीं है. तो मेरी टोटल इनकम का पार्ट क्या है, 25 करोड़ 50 करोड़ प्लस इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या है, 20 और 15. सो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई, 110 करोड़ इज माय टोटल इनकम, 110 करोड़ इज माय टोटल इनकम. मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई, 110 करोड़. ठीक है. नाउ कमिंग टू द पैसिव इनकम, इसमें से मुझे पैसिव इनकम बतानी है. तो परचेज एसोसिएटेड से करी, सेल अनरिलेटेड से करी, ऑब्वियसली ये पैसिव इनकम नहीं है. परचेज अनरिलेटेड से करी, सेल एसोसिएटेड को करी, ये भी आपकी पैसिव इनकम नहीं है. तो आपकी पैसिव इनकम है कौन कौन सी, आपकी पैसिव इनकम है बेसिकली जो आपने परचेज और सेल एसोसिएटेड से करी, और आपने इंटरेस्ट और डिविडेंड आपका ये वाला. सो सिर्फ ये वाली जो चीज है ये आपकी पैसिव इनकम में आती है. ठीक है. सो नाउ लेट सी द सॉल्यूशन. अगर मैं देखूं तो पैसिव इनकम में इसने क्या क्या ऐड किया है, पैसिव इनकम में एक तो इसने 5 और 10, ये 15 करोड़ ऐड किया है परचेज और सेल जो उसने एसोसिएटेड को करी, और जो इंटरेस्ट और डिविडेंड का आपका 35 करोड़ का अमाउंट है वो ऐड किया है. तो जब मैं 35 और 15 ऐड करती हूँ तो 50 करोड़ इज द पैसिव इनकम आउट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ 110 करोड़. आई होप दिस इज क्लेरिफाइड. अंकिता इज आस्किंग गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अंकिता. अंकिता इज सेइंग व्हेन विल यू रिज्यूम जीएसटी क्लासेस. आई विल रिज्यूम द जीएसटी क्लासेस वेरी सून. अभी फॉर अ टाइमिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन चल रहा है, बट अभी फिलहाल के लिए जीएसटी क्लासेस भी मैं अभी करने वाली हूँ, उसको भी रिज्यूम कर देंगे. ठीक है. अब हम स्टार्ट करते हैं पैसिव इनकम आपकी कितनी है. माधव इज सेइंग गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू माधव, आई होप यू आर डूइंग फाइन. ठीक है. सो अब पैसिव इनकम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. पैसिव इनकम में आपकी परचेज और सेल एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से कितनी हुई, टोटल 15 करोड़ की हुई. इंटरेस्ट और डिविडेंड आपका कितना हुआ, 35 करोड़ का हुआ. सो टोटल आपकी जो पैसिव इनकम है कितना होगा, 15 प्लस 35, 30, 40, 50, 50 करोड़. सो पैसिव इनकम आपकी 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल इनकम से. तो 50 डिवाइड बाय अगर मैं 110 करती हूँ तो ये आएगा आपका 45.45%. तो क्या आपकी जो पैसिव इनकम है वो टोटल इनकम से 50% से ऊपर जा रही है? द आंसर इज नो, 50% से ऊपर नहीं जा रही है. और क्योंकि 50% से ऊपर नहीं जा रही है तो क्या आपकी कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड है? द आंसर इज यस, क्योंकि आपको ABOI टेस्ट कर रहे हो, मतलब कि आपका जो मेन ट्रांजेक्शन है वो आउटसाइड इंडिया ही हो रहा है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. यहाँ पे नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, मैं 10 बार बता दूंगी, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. यस, कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड. ठीक है. अब हमने यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 को समझ लिया, इसी तरीके से अब हम कंडीशन नंबर 2 को समझेंगे. क्वेश्चन को बेस बना के चलेंगे तो ज्यादा जल्दी सॉल्व होगा. सो लेट्स कम ऑन पेज नंबर 2.2.2.2. Let me open the page number first and then we will proceed further. कहाँ गया? अच्छा.
सेकंड कंडीशन पे आते हैं हम एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया की. सेकंड कंडीशन आपकी बोलती है कि फाइनली वी आर हियर नाउ. यस, यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं फिर आगे बढ़ रही हूँ. यस, सेकंड कंडीशन आपकी बोलती है कि लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, कि उसके जो 50% से कम एसेट्स हैं वो इंडिया में सिचुएटेड होने चाहिए. तो अब अगर आप देखो तो ये आपकी कंडीशन नंबर 1 थी, ये आपकी कंडीशन नंबर 2, ये आपकी कंडीशन नंबर 1 थी पैसिव इनकम वाली, ठीक है. कंडीशन नंबर 2 आपकी आपकी टोटल एसेट्स से रिलेटेड है, कंडीशन नंबर 3 आपकी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, एंड कंडीशन नंबर 4 आपकी पेरोल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है. नाउ इस केस में आपको क्या करना है, अगर आप सारी कंडीशंस देखो सो सब में आपका लेस देन 50% वर्ड यूज किया गया है. व्हाट इज द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड, लेस देन 50%, मतलब अगर आपका 50% होगा सो इन दैट केस आपका एक्टिव बिजनेस इन इंडिया माना जाएगा. अगर आपको 50% हो जाएगा इन तीन लास्ट के तीन कंडीशंस में तो आपका एक्टिव बिजनेस इन इंडिया माना जाएगा. लेकिन अगर मैं पैसिव इनकम की बात करूं तो वो आपका पैसिव इनकम आपका जो है नॉट मोर देन 50% है, मतलब कि आपका 50% तक हो सकती है आपकी, मतलब अगर 60 करोड़ की आपकी इनकम है तो आपकी 50 करोड़ आराम से 30 करोड़ आपकी जो पैसिव इनकम है इजिली हो सकती है, ठीक है. बट अगर मैं टोटल एसेट की बात करूं या बाकी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात करूं तो उस केस में आपका, या पेरोल एक्सपेंसेस की बात करूं तो आपका लेस देन 50% का कंडीशन यूज किया गया है. नाउ कमिंग टू द कंडीशन नंबर 2 व्हिच सेज लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट आर सिचुएटेड इन इंडिया, मतलब उसके जो भी टोटल एसेट होंगे उसमें हम देखेंगे कौन कौन से एसेट आपकी इंडिया में सिचुएटेड है और उसका हम टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद हम उसका परसेंटेज निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये इसका 50% आ रहा है या नहीं. दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि सपोज करो कि इंडिया में जो असेट्स हैं वो 10 करोड़ के हैं और यूएसए में जो असेट्स हैं से आपके 90 करोड़ के हैं, तो टोटल असेट्स कितने हो गए यहाँ पे आपके टोटल असेट्स हो गए 100 करोड़ के. यहाँ पे आपके टोटल असेट्स कितने हो गए 100 करोड़ के हो गए. और अगर आप जो है कंडीशन नंबर 2 देखते हो तो कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कि जब आपके जो है 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो ओनली 10% है, और क्योंकि ये 10% है सिर्फ, तो क्या मेरे सिचुएटेड सारे के सारे आउटसाइड इंडिया है, द आंसर इज येस. तो क्या मेरा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का जो कंडीशन नंबर 2 है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है, द आंसर इज येस, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है. सो कंडीशन नंबर 1 भी हमारी पूरी हो गई, कंडीशन नंबर 2 भी हो गई. नाउ कंडीशन नंबर थ्री क्या कहती है कि लेस देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर सिचुएटेड इन इंडिया और आर रेजिडेंट इन इंडिया, कि मतलब कि सपोज करो कोई भी जो कंपनी है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से आपके जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिया में है सपोज करो 200 और और यूएसए में है से 800, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हो गए आपके 1000 आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए. तो इंडिया में आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं 20% ही हैं. सो वो बोल रहा है कि अगर आपके लेस देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर सिचुएटेड इन इंडिया, लेस देन 50% हमारे केस में कितने हैं 20% एम्प्लॉयज ही हैं इंडिया के अंदर, या फिर वो रेजिडेंट इन इंडिया हो. तो रेजिडेंट इन इंडिया को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ कि क्या है, कि सपोज करो ये यूएसए है या सपोज करो ये ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया से कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस अभी लूज नहीं हुआ. अगर आपको याद हो सेक्शन 61 कि अगर कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो उसके लिए कंडीशन नंबर 1 लगती है 182 डेज वाली, तो डैट मीन्स वो जो पर्सन है उसका जो 182 डेज है वो नहीं गया, वो सिर्फ रेजिडेंट है अभी भी, तो वो भी इंडिया की कैटेगरी में ही आएगा, वो अलग से नहीं माना जाएगा. या तो इंडिया में सिचुएटेड हो, या फिर अगर कोई बंदा बाहर भी है यूएसए में भी है या फिर ऑस्ट्रेलिया में भी है या कहीं भी एंटिटी में है जो वो बाहर है,
तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो जो बेसिकली क्या माना जाएगा, आप वो वाले लोग भी कंक्लूड करोगे, वो वाले लोग भी आप इंक्लूड करोगे जो रेजिडेंट है लेकिन बाहर चले गए एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आईटी कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैं आईटी कंपनीज का ज्यादा एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आईटी कंपनीज में एक तो ट्रांजेक्शन कम होती है, ट्रांजेक्शन कम इन द सेंस कि बहुत आईटी कंपनीज का अगर आप पीएनएल देखो, आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं, नॉर्मली उनका पीएनएल क्या होता है, मैं यहाँ पे टी शेप बना रही हूँ, मैं यहाँ पे वैसा पीएनएल नहीं बना रही जो शेड्यूल 6 के हिसाब से बनता है। सेल ऑफ सर्विस होती है उनकी, या अगर प्रोडक्ट है तो वहां पे हो गया, मैक्सिमम खर्चा क्या होता है, सैलरी का जाता है या फिर एडवर्टीजमेंट का जाता है, बाकी छोटे मोटे कुछ दे दिए, अदरवाइज मेन थोड़े बहुत एडमिन एक्सपेंसेस हो गए, लेकिन मेजर उनका खर्चा किस पे जाता है, सैलरी पे जाता है। ठीक है, सो आईटी कंपनीज का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल जो भी एक्सपीरियंस है, या मैन्युफैक्चरिंग का भी है वैसे तो, लेकिन प्रैक्टिकल जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ से आई थिंक ज्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर हो पाएगा। ठीक है, नाउ ठीक है, अब मैं आगे कर रही हूं। ओके, सो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी आपको कि आपके जो भी इंडिया में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि आईटी कंपनी सपोज करो इंडिया के अंदर है, कल एक एग्जांपल ये था सब्सिडरी कंपनी का, कि सब्सिडरी जो है इंडिया के अंदर ओपन हो गई है, सो उसमें क्या होता है कि कई बार कुछ एम्प्लॉयज हैं वो बाहर चले जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, सो उनको जाना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, से फॉर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। अब नाउ इस केस में अगर वो सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए ही जा रहे हैं इंडिया में, इंडिया को छोड़कर अपने प्रोजेक्ट के पर्पस से, तो ऑब्वियसली उस केस में क्या होता है कि अगर वो इंडिया के पर्पस से सिर्फ 2 या 3 महीने में जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि ऑब्वियसली आपका जो तो आपका जो आप रेजिडेंट बने रहोगे, तो वो वाले एम्प्लॉयज भी आपके जो है इंडिया के अंदर आएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसे एम्प्लॉयज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कि सिचुएटेड इन इंडिया है या फिर रेजिडेंट इन इंडिया, अब वो रेजिडेंट इंडिया बाहर भी हो सकते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, आप वो भी इंक्लूड करोगे, और वो लेस देन 50% होने चाहिए। जैसे मैंने अभी 200 और 800 वाला एग्जांपल लिया है एम्प्लॉयज के केस में, कि इंडिया में एम्प्लॉयज 200 है, यूएसए में आपकी 800 है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपकी 1000 हो गए, तो जब आप 200 डिवाइडेड बाय 1000 करते हो तो ओनली 20% आर द एम्प्लॉयज जो कि आपके इंडिया में है। इंडिया में आपके अगर लेस देन 50% होते हैं तो आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, और क्योंकि आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, सो इस केस में आपका जो पोयम है वो भी आउटसाइड इंडिया होगा और आप नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है द पेरोल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सच एम्प्लॉयज इज लेस देन 50% ऑफ इट्स पेरोल एक्सपेंडिचर। कि ये जो एम्प्लॉयज आपने ऊपर लिए है ना, जिनका जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके लेस देन 50% है, तो उनका जो पेरोल एक्सपेंसेस है वो 50% ऑफ द टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर से कम होना चाहिए। तो मतलब सपोज करो कि टोटल पेरोल एक्सपेंसेस, इसको हम एग्जांपल से करने वाले हैं, तो क्योंकि ऑब्वियसली वो जो क्वेश्चन है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का ऑलरेडी टेस्ट योर नॉलेज में गिवन है, जो अभी हमने किया था ना दोबे लिमिटेड का, तो वो हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, और जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे अगर कुछ भी अगर थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो वो क्वेश्चन नंबर 2 से आपका सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज उसमें पूरा का पूरा सारी कंडीशंस अप्लाई की गई हैं। ठीक है, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो सपोज करो पेरोल एक्सपेंसेस में आपके इंडिया में आपके पेरोल एक्सपेंसेस हो रहे हैं 10 करोड़ के, यूएसए में आपके पेरोल एक्सपेंसेस हो रहे हैं सिर्फ 50 करोड़ के, तो टोटल पेरोल एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, 40 ले लेते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, 50 करोड़ के आपके टोटल पेरोल एक्सपेंसेस हो गए, तो इंडिया में आपके कितने हो रहे हैं, ओनली 20% के जो है आपके पेरोल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्योंकि ये लेस देन 50% है। लेस देन और इक्वल टू गिवन नहीं है, 50% से कम ही होना चाहिए। क्या 49% आ जाए, कम होगा, ए बी वाई मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा, द आंसर इज ये सेटिस्फाई हो जाएगा। 50% होगा तो क्या मेरा ए बी वाई सेटिस्फाई होगा, द आंसर इज नो, आपका ए बी ओ आई की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20% है तो आपकी कंडीशन नंबर 4 भी सेटिस्फाई हो गई। सो नॉर्मली जब भी आपके केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे, व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट रिमेंबर आपकी कंडीशन नंबर 4 है, 1, 2, 3, 4, एक फिफ्थ भी कंडीशन है बोर्ड मीटिंग्स वाले, वो भी अभी मैं लेती हूँ। तो आपके चार कंडीशन है एबीओआई के केस में, आपको वो चारों के चारों कंडीशन देखनी है, क्या चारों के चारों एक साथ इकट्ठी जो है होनी चाहिए सॉल्व। अगर सपोज करो एक कंडीशन आपकी पैसिव इनकम वाली कंडीशन वन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन नंबर 2 आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या आपकी एबीओआई की कंडीशन आपकी मानी जाएगी या नहीं। आपको आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया गया है, मतलब कि सारी कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी आपका एबीओआई मतलब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, अदरवाइज आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं माना जाएगा। मतलब कि सपोज करो पैसिव इनकम आपकी कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई, बट आपकी टोटल असेट वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होती है, सो इन दैट केस आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। नाउ अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप कैसे करोगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला पेपर आपका दो टाइप का आता है, एमसीक्यू बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव बेस्ड। तो अगर आपका कोई डिस्क्रिप्टिव बेस्ड एमसीक्यूज में अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको बताना है कि क्या ये जो पर्सन है ये एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं, बिकॉज कंपनी के अंदर ही ऐसा मेजर क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज डिस्कशन दैट वी आर हैविंग एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के केस में। सो इन दिस केस क्या होगा, आपको सॉल्व करना होगा कि कंडीशन नंबर 1 ये गिवन है एंड देन आपका सॉल्यूशन आपके हिसाब से ये है, फिर कंडीशन नंबर 2 जो भी आप टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन में भी आप एक क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, उससे आपका जो थोड़ा सा माइंड है वो क्लियर होगा, फिर कंडीशन नंबर 2। बेसिकली मैं ये बोलूंगी कि आप ये जो कंडीशन है ये आप लाइन बाय लाइन याद कर लो, कहीं ना कहीं माइंड में रखो, वैसे याद करने की जरूरत नहीं, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ठीक है। सो पैसिव इनकम टोटल असेट्स, बट हम जैसे हम अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे याद रहता है क्योंकि हम लोग इसको अप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि हमें कंक्लूड करना होता है वेदर किसी फॉरेन कंपनी का पोएम इंडिया के अंदर है या नहीं है, ठीक है। सो पैसिव इनकम हो गया, फिर टोटल असेट हो गया, फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, फिर उन्हीं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का पेरोल वाला कंडीशन आ गया, ठीक है। नाउ पैसिव इनकम तो हमने पढ़ लिया था क्या होता है, ठीक है। आई होप दिस ऑल फोर कंडीशंस आर क्लियर टू यू, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। शंकर इज सेइंग हेलो मैम, हेलो टू यू शंकर, कैसे हो आप। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ इसमें, ठीक है। या अब कुछ मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, ऑब्वियसली हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो ऑलरेडी गिवन होती हैं। नाउ आपका एक क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि मैं यहाँ पे पैसिव इनकम की बात कर रही हूँ, पैसिव इनकम में आपकी पैसिव इनकम की हमने डेफिनेशन कर ली, हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि टोटल असेट की हम लोग बात कर रहे हैं तो इस असेट में क्या आएगा, कौन सा असेट लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली हम फॉरेन कंपनी का असेट लेने वाले हैं, बट जब हम असेट ले रहे हैं तो क्या हम उसमें डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे या बुक वैल्यू पे लेंगे, दैट शुड बी योर क्वेश्चन। जब हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो ओपनिंग में भी है, वो तो आते जाते रहते हैं, सो इस केस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कैसे कंसिडर करूँ, क्या मुझे क्लोजिंग वाले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेने हैं या फिर मुझे ओपनिंग वाले लेने हैं या फिर मुझे उनका एवरेज लेना है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए, ठीक है। सो अब मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको सॉल्व करती हूँ। सो अगर आपकी पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम, आपकी पैसिव इनकम 50% ऑफ द टोटल इनकम से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे इनकम के डेफिनेशन पे आ जाओ। इनकम क्या कहता है कि एज कंप्यूटेड फॉर टैक्स पर्पस इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि जैसे इनकम आप जो भी कंप्यूट करते हो उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉज के हिसाब से। तो सपोज करो अगर मैं बात करती हूँ कि आपकी जो मतलब अगर मैं से यूएसए की बात करती हूँ, ठीक है, तो यूएसए में आपके स्टेट्स हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं,
सो से अगर हम यूएसए में टेक्सास की बात करते हैं, टेक्सास स्टेट जो टेक्सास आप पे करते हो, तो जो टेक्सास फ्रेंचाइजी टैक्स आप वहाँ पे करते हो, फेडरल टैक्स बेसिकली, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उस कंट्री या उस स्टेट के हिसाब से, क्योंकि यूएसए में जो टैक्स चलता है वो आपका स्टेट वाइज चलता है, ओके. सो यूएसए के जो स्टेट है उसके हिसाब से आप जो है वहाँ पे अपनी इनकम को कंप्यूट करोगे. जो उसके हिसाब से इनकम आएगी, जो उस पर्टिकुलर स्टेट, जो उस पर्टिकुलर फेडरल स्टेट के हिसाब से जो इनकम आएगी, जो उस पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से जो इनकम आएगी, वो आपकी टोटल इनकम में आनी चाहिए, वो टोटल इनकम में आएगी आपकी. और सपोज करो आप कोई ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो जहाँ पे जो लॉज ऑफ द कंट्री है ऑफ इनकॉर्पोरेशन डज नॉट रिक्वायर सच कंप्यूटेशन. तो अगर सपोज करो आप ऐसे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो जहाँ पे उस कंट्री में जहाँ पे वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आपका कोई इनकम आप कैलकुलेट ही नहीं करते. सो ऐसी कौन सी कंट्री हो सकती है जो बेसिकली टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं, जैसे कि दुबई वगैरह जो हम बोलते हैं ना टैक्स हेवन कंट्रीज. टैक्स हेवन कंट्रीज क्यों बोलते हैं उन कंट्रीज को, उनको टैक्स हेवन कंट्रीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि उन कंट्रीज में टैक्स नहीं लगता, इसलिए वो हमारी जो है टैक्स हेवन कंट्रीज कहलाती हैं. या लगता है तो बहुत कम लगता है, आपका मैक्सिमम पैसा आपके पास ही रहता है. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्या होता है कि ₹100 की इनकम हो 30 तो आप गवर्नमेंट को ही दे देते हो, तो आपका बचता क्या है, ₹70 ही बचते हैं. इंडिया में क्या होता है कि ₹100 की इनकम में ₹30 तो आप गवर्नमेंट को ही दे देते हो, 30 या 25 कह लो, ठीक है, उसमें से आपको ₹70 तो खुद के बचते हैं. बट जब मैं इन कंट्रीज की बात करती हूँ, अगर सपोज करो मैं यूएसए की बात कर रही हूँ, तो यूएसए में क्या होता है आपका, से इफ आई टॉक अबाउट यूएसए, सो यूएसए में आपका अपोर्शनमेंट ऑफ टैक्स चलता है. यूएसए में मैं दूसरा टैक्स रेट ले, अपोर्शनमेंट ऑफ मार्जिन चलता है, उस पर नहीं जाऊंगी, वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा. तो यूएसए में आपका जो टैक्स रेट है वो बेसिकली 6 से 11% रहता है. जो यूएसए में आपका टैक्स रेट है वो बेसिकली आपका 6 से 11% रहता है, ठीक है. उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है, उसको अलग तरीके से डिफाइन करती है, मैं उस कैलकुलेशन और डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगी बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस और वो आपके लिए रिलेवेंट भी नहीं है, ठीक है. सो नाउ, सो इनकम क्या हो गया जो हम यहाँ पे इनकम डिफाइन कर रहे हैं. सो इनकम इज बेसिकली ऐसी इनकम, जो आप बेसिकली जो आप वहां के लॉस के हिसाब से कैलकुलेट करोगे, या फिर अगर वहां पे जो कोई कंट्री में लॉ ऐसा नहीं है कि आप वहां पे टैक्स लॉ नहीं है, वहां पे कोई कंप्यूटेशन वगैरह नहीं होता है, तो जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से जो इनकम आ रही होगी वो आपकी इनकम के डेफिनेशन में आएगी, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वैल्यू ऑफ असेट्स, हम यहाँ पे असेट्स की बात कर रहे हैं कि लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल असेट आर सिचुएटेड इन इंडिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि हम यहाँ पे इनकम क्यों बोल रहे हैं. खुद सोचो, आप यहाँ इंडिया में बैठे हो, यू आर द कंसल्टेंट हेयर, आपकी एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये इंडियन कंपनी है, आपने इसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये तो आपकी रेजिडेंट है, ठीक है. इसी की एक कंपनी है बी लिमिटेड जो कि से यूएसए के अंदर है, आपको एज ए कंसल्टेंट, मैं यहाँ पे बात करूँ एज ए कंसल्टेंट, ठीक है, आपको एज ए कंसल्टेंट अपने क्लाइंट को एडवाइस देनी है कि क्या ये बी लिमिटेड आपकी कंपनी, मतलब ये आपकी रेजिडेंट मानी जाएगी, इसका पोएम यहाँ पे आएगा या नहीं. सो एज ए कंसल्टेंट आप क्या क्या देखोगे, आप बेसिकली वो चार कंडीशंस देखोगे, फोर कंडीशंस आप जो है देखोगे. अब चार कंडीशन देख के आप बोल रहे हो उसकी पैसिव इनकम आपको देखनी है कि 50% तक हो सकती है टोटल इनकम की, तो ऑब्वियसली आप अपने क्लाइंट से ये तो पूछोगे ना कि भाई उसकी टोटल इनकम कितनी है, उसे डेटा तो लोगे बी लिमिटेड से कि कितना डेटा आएगा कितना नहीं आएगा. अगर मैं असेट्स की बात करूँ तो असेट्स का डेटा भी आप लोगे ना एज ए कंसल्टेंट, आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा उस एंगल से सोचो. आप ऐसा नहीं कह सकते मैं बी लिमिटेड से डेटा क्या लूंगी, मैं बी लिमिटेड से ऑब्वियसली मेरा डायरेक्टली कॉन्टेक्ट तो होना कहीं ना कहीं इतना एकदम से नहीं हो पाता है,
क्योंकि जब भी आप अपनी सब्सिडियरी से बात करते हो तो जनरली क्या होता है, क्योंकि मैं तो ए लिमिटेड को जानती हूँ, ए लिमिटेड मुझे जानता है, बट बी लिमिटेड या बी लिमिटेड का मैनेजमेंट मुझे नहीं जानता है। सो भले ही बी लिमिटेड को मैनेज और कंट्रोल ए लिमिटेड के थ्रू किया जा रहा हो, स्टिल ये जो लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये मुझे नहीं जानते एज ए कंसल्टेंट। सो मैं क्या करूँगी, मैं ए लिमिटेड को बोलूँगी अच्छा मुझे टोटल इनकम का डेटा दो, अच्छा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड करो, अच्छा मुझे ये बताओ कि टोटल असेट्स कितने हैं, क्या ये एज पर टैक्स लॉस है या नहीं, ठीक है, या फिर इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू इनडायरेक्टली आस्क टू बी लिमिटेड थ्रू ए लिमिटेड एज ए कंसल्टेंट। एज ए कंसल्टेंट व्हाट आई विल डू, दीज आर द क्वेश्चंस कि आपकी पैसिव इनकम कितनी है। पैसिव इनकम तो चलो मैं खुद निकालूंगी, लेकिन मैं इनकम का बाइफर्केशन तो मांगूंगी बी लिमिटेड का, या फिर मेरे असेट्स कितने हैं, या फिर मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। प्लीज मुझे बताओ कि बी लिमिटेड में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, या फिर उनका पेरोल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। दीज आर दीज टाइप ऑफ द एमआईएस रिपोर्ट्स दैट आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम बी लिमिटेड। एंड प्रैक्टिकली देखा जाए तो बी लिमिटेड से हम इनडायरेक्टली पूछते हैं थ्रू ए लिमिटेड, एंड देन ए लिमिटेड ट्रांसफर्स दैट मैसेज टू बी लिमिटेड, एंड देन बी लिमिटेड फर्दर कम्युनिकेट्स टू ए लिमिटेड, एंड देन अकॉर्डिंगली वी रिसीव द ईमेल एंड ऑल। So this is the channel, this is the type of communication channel that flows between these type of transactions. But yes, in some cases what happens that A Limited authorizes us कि वो directly involve कर देता है, दोनों को मिला देता है, बोलता है कि ठीक है आपसे जो हमारे consultant है वो बात करेंगे और आप एक बार उनको जो भी data है वो MIS वगैरह दे दो। I hope this is clear, ठीक है। Now अब वैल्यू ऑफ असेट्स, आप ऐसे कंसल्टेंट बैठे हो, आपको वैल्यू ऑफ असेट्स देखना है कि आपको कौन कौन से वैल्यू ऑफ असेट्स लेने हैं आपके वो 50% की कंडीशन निकालने के लिए, बिकॉज यू नीड टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट एज वेल। ओके, यू जस्ट कैन नॉट से ओके एक्सेल में कैलकुलेट कर लिया और मेरा पोएम डिफाइन हो गया। नो, व्हेन यू आर अ कंसल्टेंट एंड यू आर डिफाइनिंग द पोएम ऑफ अ कंपनी कि भाई इसका पोएम कंपनी का जो है ये यहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली यू विल कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्री बेसिस पे, एविडेंस बेसिस पे आप उसको रखोगे। आप उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है डेट यू आर गोइंग टू लाइक यू नो, आप उसका एक बंच बनाओगे एंड अकॉर्डिंगली आप उसमें उसको करोगे, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करते हो, इस केस में आप क्या करोगे, आप वैल्यू ऑफ असेट्स को देखोगे। अब नाउ ऐसे कंसल्टेंट सोचना है आपको, यहाँ पे जो भी सोचना है ना ऐसे कंसल्टेंट सोचना है, और जब आप ऐसे कंसल्टेंट सोचोगे आपको अपने आप आंसर आने लगेंगे। ट्रीट योर सेल्फ अ सी ए कि आप एक सी ए हो और आप इंटरनेशनल टैक्सेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका जो माइंड है वो क्या कहता है कि आप अगर वैल्यू ऑफ असेट्स देखोगे तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं सोचोगे कि यार इस पर डेप्रिसिएशन अगर लग रहा है तो कितना, मैं मेरे को ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन के हिसाब से लेना चाहिए। अगर इसके बी लिमिट के कोई भी असेट्स हैं वो इंडिविजुअल असेट्स हैं, सो मैं इंडिविजुअल बेसिस पे जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है मैं उन असेट्स को लूंगा। या फिर अगर कोई पूल, मतलब बेसिकली अगर आपका ब्लॉक ऑफ असेट बन जाता है तो इस पे कोई डेप्रिसिएशन लग रहा है ब्लॉक पे आपका, तो मैं वो वाला लूंगा। या फिर अगर आपका कोई डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है किसी असेट पे, किसी पर्टिकुलर असेट पे, सो इन दैट केस मैं जो है क्या लूंगा, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है इस कंट्री में, सो इन दैट केस मैं बुक वैल्यू ले लूंगा, ठीक है। नाउ चलो बुक वैल्यू भी ले ली, डेप्रिसिएशन भी ले लिया, पूल ब्लॉक वाला भी ले लिया। नाउ आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए एज ए कंसल्टेंट कि भाई मैं क्लोजिंग वैल्यू लूं या मैं ओपनिंग वैल्यू लूं, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है। अगर मैं वैल्यू ऑफ असेट्स की बात कर रही हूँ और मुझे पोएम निकालना है, तो आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं ओपनिंग वैल्यू लूं या मैं क्लोजिंग वैल्यू लूं। पहले तो चलो आपने डेप्रिसिएशन की बात कर ली कि डेप्रिसिएशन है तो आप चलो ठीक है डेप्रिसिएशन है तो आप डेप्रिसिएशन वाली वैल्यूज ले लोगे। अगर पूल ऑफ फिक्स्ड असेट है, बेसिकली ब्लॉक बनाया हुआ है, तो आप ब्लॉक वाली वैल्यू ले लोगे। कोई और अदर असेट है तो बुक ऑफ अकाउंट वाली आप वैल्यू ले लोगे। लेकिन लेकिन आपका जो नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि आपको एवरेज लेना है, ओपनिंग लेना है, क्लोजिंग लेना है। सो उसका भी गिवन है आपको कुछ सर्टेन टर्म्स। कपिल सिंह मैम प्लीज लिसन टू मी, यस प्लीज टेल मी कपिल। सजल
रक्षित सिंह मैम, डू यू टेक फुल क्लास? अभी मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन की क्लास ले रही हूँ और ये आपका बैच आने वाला है प्लस पे, तो आप वहाँ पे जाके उसको ले सकती हैं. गुड मॉर्निंग सजल. रेट मेथड ठीक है. मोनिका सिंह, हाय मैम. हेलो मोनिका, कैसे हो आप? ठीक है. सो अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करती हूँ, तो इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल डेप्रिशिएबल असेट, अगर आपको डेप्रिशिएबल असेट है तो उस केस में आपको क्या लेना है? द एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू फॉर टैक्स पर्पसेस इन द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर. ओके. सो अगर कोई इंडिविजुअल डेप्रिशिएबल असेट है तो आपको क्या लेना है? जो आपका ओपनिंग वैल्यू है, मतलब बेसिकली कोई असेट है उस पर आपका डेप्रिसिएशन लग चुका है. सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू कि आप ओपनिंग बैलेंस लोगे और क्लोजिंग लोगे और उसका एवरेज कर दोगे. मतलब क्या है इसका कि अगर सपोज करो कोई फर्नीचर एंड फिक्स्चर आपने खरीदा था से 10,000 का, ठीक है. मैं यहाँ पे एग्जाम्पल INR में ही ले रही हूँ, वैसे आपको डॉलर में लेना चाहिए. मैं करेंसी वैल्यू नहीं ले रही, सपोज करो $1,000 का था, ठीक है. चलो फॉरेन कंपनी की बात करें तो डॉलर में ही बात करते हैं, ठीक है. सो सपोज करो कोई फर्नीचर फिक्सचर खरीदा था $10,000 का, ठीक है. $10,000 का आपने खरीदा था फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर, ऑल दो वहां पे कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा होगा, लेकिन लेट्स एज्यूम कि फाइनेंशियल ईयर 1920 वहां पे चल रहा है, वहां पे भी फाइनेंशियल ईयर वाइज चल रहा है और आपका जो रेट है वो आपका कितना है 10% है, ठीक है. तो -1,000 rupees आपका 1920 में लगा, तो 9,000 आपका जो है ओपनिंग WDV आ गया इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021. नाउ फिर से आपने जो है 10% का रेट लगाया, तो दैट मीन्स 900 का आपने डेप्रिसिएशन लगाया, दैट विच कम्स टू रुपीज 8,100. ये आपका क्लोजिंग WDV आ गया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. सो ये क्या कहता है कि अगर आपका डेप्रिशिएबल असेट है, ये क्या कहता है कि अगर आपका डेप्रिशिएबल असेट है, व्हाट यू नीड टू डू कि 9,000 प्लस 8,100 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. सो 17,100 डिवाइड बाय 2 कम्स टू रुपीज 2,816, 2,510, 8,550 जो है आपका, आप वैल्यू लोगे एज टोटल असेट ऑफ द कंपनी. I hope this is clear. Yes, Sajal. You can search me over there by my name and then you will find me. Okay? ठीक है. Now, टोटल एसेट हो गया. अगर सपोज करो डेप्रिसिएशन यहाँ पे तो इंडिविजुअल हो गया, यहाँ पे ब्लॉक वाला भी, तो ब्लॉक वाला का भी ओपनिंग लोगे क्लोजिंग लोगे डिवाइड बाय 2 कर दोगे, एवरेज कर दोगे ऑब्वियसली. और अगर और कोई और अदर असेट होगा तो मेरे नाम से ही है सजल, और अगर और कोई अदर असेट होगा तो वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तो ऑब्वियसली बहुत सारे होते हैं, आते जाते रहते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी डील करती हूँ, उसमें 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, बट उसमें सी सपोज करो 100 से ज्यादा है, बट कभी 100 होते, कभी 90 होते, कभी 110 होते हैं, कभी 120 हो जाते हैं. तो ऑब्वियसली नंबर जो है चेंज होता रहता है एम्प्लॉयज का, ठीक है. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या है? द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर and shall include persons who though not employed directly by the company perform tasks similar to those performed by the employees. Now, number of employees में आपको क्या लेना है? Number of employees में जो आपके opening number of employees हो गए, जो आपके closing number of employees हो गए, divided by 2 कर दो. लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी हायर करते हो. सब कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली ऐसे लोग जो आपकी वो ही टास्क करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं. लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, और ये मैं नॉर्मल भी है वैसे. सपोज करो ये आईटी कंपनी है, ठीक है. इस आईटी कंपनी में आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज भी आएंगे, दैट इज करेक्ट. कि सपोज करो ये आईटी कंपनी है, इसको कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना है. सो समटाइम्स ये लोग क्या करते हैं कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स पे जो है कुछ एम्प्लॉयज, सब कुछ लोग
एम्प्लॉयज नहीं बोलेंगे, बिकॉज एम्प्लॉयज मतलब एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स ये लोग हायर कर लेते हैं जो कि सेम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिलीवर करते हैं। तो ये लोग जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर वाले हैं ये भी आपके जो हैं इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ पेरोल में आपको क्या लेना है, दिस टर्म इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ सैलरीज, वेजेस, बोनस एंड ऑल अदर एम्प्लॉय कंपनसेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड पेंशन एंड सोशल कॉस्ट बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, नाउ ठीक है, अब हम आगे करते हैं, आगे वाला देखते हैं। यहां तक आया समझ में? सो अभी हमने एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया की चार कंडीशंस पढ़ी, लेकिन एक पास्ट भी कंडीशन भी है जो कि नीचे दी हुई है स्टडी मेटल के अंदर। एंड व्हाट इज दिस कंडीशन? ये कहती है कि पोएम ऑफ अ कंपनी एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस शैल बी प्रिज्यूम टू बी आउटसाइड इंडिया इफ द मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया। कि अगर आपकी जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग है वो अगर आउटसाइड इंडिया होती है सो आपका पोएम माना जाएगा कि वो आउटसाइड इंडिया है। सो अगर आपकी मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया होती है तो आपका पोएम माना जाएगा कि वो आउटसाइड इंडिया है। सो मैं यहाँ पे एक चीज बोलूँ, अगर मैं समराइज करूँ कि आपको जो है अगर इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट हो गई। सजल इज सेइंग प्लीज ट्राई टू सपोर्ट। मैम क्या सपोर्ट करना है मुझे? ओके अच्छा सॉरी, प्लीज ट्राई टू सपोर्ट मैम। ओके सॉरी, मुझे लगा मुझे सपोर्ट करना है, आई एम रियली सॉरी। या सो सुमित इज सिंह, थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच। ओके सो ठीक है, सो अगर मुझे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया आपको देखना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपको पहले चार कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, टोटल पांच कंडीशंस आपको यहाँ पे देखनी है। तो आपको माइंड में कहीं ना कहीं रखना है, कहीं ना कहीं माइंड में आपको एक पिक्चर फ्रेम करनी है कि आपको पांच कंडीशंस देखनी है। सो पहली कंडीशन थी पैसिव इनकम वाली, पहली कंडीशन थी पैसिव इनकम वाली। दूसरी कंडीशन थी किससे? असेट्स वाली, कि आपके 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वाली। फोर्थ कंडीशन क्या थी आपकी? पेरोल एक्सपेंस वाली। और फिफ्थ कंडीशन क्या है आपकी? बोर्ड मीटिंग्स वाली, कि आपकी मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स अगर आउटसाइड इंडिया होती है तो ही आपका जो है आपका पोएम आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, अदरवाइज आपका जो पोएम है वो इन इंडिया माना जाएगा, ठीक है। थैंक यू सजल, थैंक यू सो मच। या सो ठीक है, आपका एबीओआई का यहाँ पे डेफिनेशन कवर होता है। लेकिन आपको पता है क्या होता है कई बार कंपनीज में कि सपोज करो आपके बहुत सारी एंटिटीज हैं और ग्रुप कंपनीज हैं, और ये जो ग्रुप कंपनीज हैं कोई से यूएसए में है, कोई दुबई में है, कोई सिंगापुर में है, कोई इंडिया में है, कोई सिंगापुर में है, कोई इंडिया में है। ना होता क्या है कि सपोज करो यूएसए इज द मेन एंटिटी जो जहां से इसने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि ये यूएसए मेन एंटिटी है तो ये लोग क्या करते हैं कई बार एक पॉलिसीज जो होती हैं, जो ग्रुप की पॉलिसीज होती हैं वो बोलते हैं कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब जहाँ जहाँ पे भी उनके ऑफिसेज हैं वो सब पे एप्लीकेबल होगी। कौन कौन सी पॉलिसीज होती है? जैसे कि एचआर पॉलिसी हो गई, ठीक है, या फिर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि वो क्या करती है, जो अपनी एचआर की पॉलिसी है वो लोग जो हमारे जैसे हम लोग बेसिकली वो देखते हैं ना, क्या कहते हैं कि कोई भी हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो हम उसके पीछे के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसकी सैलरी क्या आती है, उसके बेसिस पे हम लोग उसका जो आगे का है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। नाउ
अब सपोज करो ये एचआर पॉलिसी इंडिया में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इंडिया में सब लोग पीछे पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट के आपके क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पे जो है वो लोग आपको रखते हैं कि सपोज करो अगर मेरी सैलरी पीछे 10 लाख रुपए थी तो हार्डली मुझे 20 या 30% का एग्रीमेंट मिलता है एज पर इंडिया की रेगुलेशंस, ठीक है, इंडिया की जिस तरीके से ट्रेंड चलता है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस कंपनी, लेट्स से ये ऑस्ट्रेलिया में कोई कंपनी है, वो अपनी एचआर पॉलिसी बनाती है कि हमें पीछे के एम्प्लॉयज से कोई लेना देना नहीं, कि वो चाहे 1 लाख रुपए भी अर्न करते हो लेकिन अगर कैंडिडेट कैपेबल है, अगर कैंडिडेट कैपेबल है तो लेट्स कीप हिज और हर सैलरी से 10 लाख रुपीज, ठीक है। सो अगर ऐसी कोई पॉलिसी है, अगर ऐसी कोई एचआर पॉलिसी है, कोई से लीव से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो गई कि आप फोर डेज इन अ वीक अब काम करोगे एंड दिस इज द पॉलिसी टेकन बाय द कंपनी नाउ, तो वो ऑल ओवर इंडिया मतलब ऑल ओवर कंट्री में ये जहाँ 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 पे उनके ऑफिसेज एप्लीकेबल है वो वहाँ पे सारे एप्लीकेबल है। सो अगर इस तरह की पॉलिसीज हो गई, कोई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हो गई, ठीक है, या फिर कौन कौन सी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क प्लेटफॉर्म हो गए, ठीक है, या फिर आपकी से पेरोल फंक्शन किस तरीके से आपका पेरोल पे होना चाहिए, से अगर मैं चाइना की बात करूँ या से मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ या मैं बाकी कंट्रीज की बात करूँ, तो वहाँ पे वीकली पेमेंट्स होती हैं। वीकली पेमेंट मतलब आप एवरी वीक काम करोगे एंड देन आपको पेमेंट उसी वीक के लास्ट में आ जाएगी, मतलब यू आर गोइंग टू वर्क फॉर मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे एंड देन फ्राइडे को भी आप काम कर रहे होंगे और फ्राइडे के एंड तक होते होते आपको फ्राइडे में आपको पेमेंट जो है क्रेडिट हो जाएगी एंड दैट इज अ कॉन्सेप्ट जो वो लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। जो वहाँ पे वीकली पेमेंट चलती है, हमारी तरह वो मंथली पेमेंट पे नहीं लटके रहते कि मंथली पेमेंट ही होगी, ऐसा नहीं चलता है। ऑब्वियसली इन सम इंस्टेंसेस मंथली पेमेंट भी होती है बट जनरली इट इज वीकली पेमेंट्स, जो वीकली पेमेंट्स का भी वहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। इवन एम्प्लॉयज के केस पे भी लाइक एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो वीकली पे की जाती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। और ये वीडियो अगर हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना सो डैट उनको भी ये लोग लेक्चर देख सके एंड उनको भी बेनिफिट हो सके। और बैच आने वाला है तो एक बार आप वो भी देख लेना, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा जो तरीका होगा पढ़ाने का वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बिकॉज यहाँ पे मैं जो भी आपको एग्जाम्पल्स भी ले रही हूँ ऑस्ट्रेलिया यूएसए वाले वो एक्चुअल में रियल एग्जाम्पल्स हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द कंपनी नेम्स बट येस जो ए लिमिटेड बी लिमिटेड है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है कंपनीज और उसमें एक्चुअली इसी टाइप का बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो वो जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो एक्चुअल में है, रियल एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल है ये सब ये सारे एक्चुअल में रियल एग्जाम्पल्स हैं, बस मैं कंपनी की नेम्स डिस्क्लोज नहीं कर सकती बट या दीज आर द रियल एग्जाम्पल्स। ओके मैम अब तो आउट ऑफ इंडिया ही जाना पड़ेगा, दैट्स ग्रेट। सो अब सपोज करो इस टाइप की पॉलिसी, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। सपोज करो इस टाइप की पॉलिसी बनाई गई, यूएसए से कोई पॉलिसी आ गई कि भाई सारी जगह सारी कंट्रीज में अप्लीकेबल हो गई, इंडिया में हो गई, तो क्या सिर्फ इस पॉलिसी के बेस पे मैं ये मान लूंगी कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इंडिया में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो उस फॉरेन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके पास कोई पावर ही नहीं है? क्या मैं ऐसा मान लूंगी? द आंसर इज नो, मैं ऐसा नहीं मानूंगी, बिकॉज ये तो एप्लीकेबल सभी के लिए ही हो गई है ना। मतलब कि क्या हो रहा है कि पोएम ऑफ अ कंपनी एंगेज इन एक्टिव बिजनेस शैल बी प्रिज्यूम टू बी आउटसाइड इंडिया इफ द मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया। अगर मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड मीटिंग अगर आपकी आउटसाइड इंडिया हो रही है तो हम मान लेंगे कि आपका जो एक्टिव बिजनेस है आउटसाइड इंडिया है, लेकिन इन द केस इज द बोर्ड इज नॉट एक्सरसाइजिंग इट्स पावर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सच पावर्स आर बीइंग एक्सरसाइज बाय आइदर बाय होल्डिंग कंपनी और एनी अदर पर्सन जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है, देन पोएम शैल बी कंसिडर्ड इन इंडिया। हाउएवर अगर ऐसा कोई बोर्ड है मतलब जो फॉरेन कंपनी का जो बोर्ड है वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अपनी पावर्स को नहीं कर रहा है, बट उसको कौन हैंडल कर रहा है? जो इंडियन कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो इंडियन कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं, वो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो इस केस में हम मान लेंगे कि वो जो पोयम है वो आपका कंसिडर्ड टू बी इन इंडिया। सो लेट्स रीड दिस लाइन अगेन, बिकॉज इवन इफ आपकी पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, कई बार आपके क्विज स्टडी के क्वेश्चन में होगा या फिर कहीं भी क्वेश्चन में होगा ये लाइन दे दी जाएगी और उससे आपका जो पोयम है आप
पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका क्या होगा, आप ये बोलोगे कि पोएम आपका आउटसाइड इंडिया है इसलिए ये बंदा नॉन रेजिडेंट है, राइट। पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी थर्ड कंडीशन आपकी आ गई तो आपका पोएम इन इंडिया माना जाएगा, ठीक है। सो एक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ आपको ये पांच कंडीशन चेक करनी है, और सिक्स कंडीशन एक और आ गई। सिक्स कंडीशन क्या कहती है कि हाउएवर इन द केस द बोर्ड इज नॉट एक्सरसाइजिंग इट्स पावर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सच पावर्स आर बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय आइदर द होल्डिंग कंपनी और एनी अदर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, कि सपोज करो कोई फॉरेन कंपनी का बोर्ड है वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, मतलब अपनी पावर्स को ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहा है और जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो कोई पर्सन ले रहा है, या तो कोई होल्डिंग कंपनी ले रही है या फिर कोई अदर पर्सन ले रहा है जो कि रेजिडेंट है इन इंडिया में, तो पोएम जो है आपका इंडिया में माना जाएगा, ठीक है। सो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे कि फॉरेन कंपनी का जो बोर्ड है वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर रहा है, और कौन यूज कर रहा है, इंडियन इंडियन का कोई भी असेसी, मतलब बेसिकली होल्डिंग कंपनी या अदर पर्सन। इन दैट केस आपका जो पोयम है वो इन इंडिया माना जाएगा। सो देखो ये जो पांच पॉइंट है ये आउटसाइड इंडिया की बात कर रहे हैं, पांच पॉइंट ही आपके आउटसाइड इंडिया की बात कर रहे हैं। आउटसाइड इंडिया आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट अगर ये एक्सेप्शन आ जाती है जो आपके सिक्स्थ में गिवन है, सो इन दैट केस आपका जो पोयम है वो आपका इन इंडिया माना जाएगा। सो ध्यान रखना, कभी भी जब आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होगा एंड देन यू विल बी वेरी हैप्पी कि मेरे पांच पॉइंट मेरे सेटिस्फाई हो गए, आपने नॉन रेजिडेंट लिखा है, लेकिन अगर कहीं भी ये पॉइंट आ गया लास्ट वाला, वो पोएम इंडिया में माना जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सजल इज सेइंग वेरी वेल एक्सप्लेन मैम, थैंक यू सो मच सजल। यस, एग्जाम्पल से आपको बहुत मजा आएगा। और आपने कभी टीपी वाला पढ़ा है, वो रेंज कॉन्सेप्ट होता है, कभी आपके माइंड में आया कि इंडस्ट्रियल डेटा हम कंपेयर करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में, तो वो कहाँ से कंपेयर करते हैं, वो कौन सा डेटा होता है। सो आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज यू डेट एज वेल। एक ट्रांसफर प्राइसिंग में आता है आपका कि आपको इंडस्ट्रीज के साथ कंपेयर करना है, सो वो इंडस्ट्रीज का डेटा कहाँ से आएगा वो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से आएगा, वो जल्दी पता नहीं होता है बच्चों को। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर डैट विद यू एज वेल, ओके। बट चलो ये डिसीजन हो गए, पावर हो गए। फॉर दिस पर्पज मियरली बिकॉज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलोज जनरल एंड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। अब जैसे कि कोई एक पॉलिसी बना दी तो ये तो कोई जनरल या ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ही हो गए ना, ग्लोबल पॉलिसी का ऑफ द ग्रुप लेड डाउन बाय द पेरेंट एंटिटी, विच मे बी द जो कि पॉलिसीज किस किस फील्ड में हो सकती है, पेरोल फंक्शन के फील्ड में हो सकती है, अकाउंटिंग के फील्ड में हो सकती है, HR से रिलेटेड हो सकती है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो सकती है, सप्लाई चेन के फंक्शन से रिलेटेड हो सकती है, कोई रूटीन बैंकिंग ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हो सकती हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं है टू एनी एंटिटी और ग्रुप ऑफ एंटिटीज पर से, वुड नॉट कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनीज स्टैंडिंग असाइड। तो अगर ऐसी कोई पॉलिसीज आ रही हैं कंपनी के अंदर जो कि बेसिकली ऐसी पॉलिसीज जो कि पेरोल अकाउंटिंग HR वगैरह से रिलेटेड हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो कॉमन पॉलिसी आ गई, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये तो कॉमन पॉलिसी आ गई तो ये इसमें जो है डायरेक्टर्स के पास पावर नहीं है। डायरेक्टर के पास इन केसेस में हम अस्यूम करेंगे कि पावर्स हैं, वो नहीं मानेंगे कि पावर्स नहीं है, ठीक है। नाउ सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 25/2017 डेटेड क्लैरिफाइज दैट, एक सीबीडीटी का सर्कुलर आया जो कि क्लैरिफाई करता है कि सोल होगा एज द रीजनल हेडक्वार्टर ऑपरेट फॉर सब्सिडरीज ऑफ ग्रुप कंपनीज इन अ रीजन विद इन द जनरल एंड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल पॉलिसी ऑफ द ग्रुप लेड डाउन बाय द पेरेंट एंटिटी इन द फील्ड ऑफ पेरोल फंक्शंस, अकाउंटिंग, HR फंक्शंस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क प्लेटफॉर्म, सप्लाई चेन फंक्शंस, रूटीन बैंकिंग ऑपरेशनल प्रोसीजर्स and not being specific to any entity or group of entities। मतलब अगर कोई suppose करो कोई policy आती है, same चीज़ लिखी गई है कि अगर कोई policy आती है और वो आपकी किसी specific entity से related नहीं होती है, so in that case हम आपका जो है not considered case of board of directors companies, तो हम ये नहीं मानेंगे कि जो आपके board of directors हैं वो उनके पास power नहीं है, and accordingly even if suppose करो ये policy, मैं ध्यान से I think example से ज़्यादा समझ में आएगा कि ये foreign company है, ठीक है, और ये एक Indian company है, दोनों associated हैं,
यहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा की डिसीजन इस कंपनी के ले रहे हैं, की डिसीजंस इस कंपनी के ले रहे हैं। तो इस केस में मैं मानूंगी कि ये जो फॉरेन कंपनी का जो पोयम है वो इस केस में इंडिया में है। ये आपके 6 पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बट सपोज करो केस नंबर 2 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोई पॉलिसी बनाई जो अपनी बाकी एंटिटीज को भी, से दूसरी कंट्री में, तीसरी कंट्री में, चौथी कंट्री में है और इस वाली कंपनी में भी है, इस कंपनी में भी इन्होंने जो है वो पॉलिसी को दे दिया कि भाई तुम भी फॉलो करो, तुम भी फॉलो करो, तुम भी फॉलो करो, सब लोग फॉलो करो, क्योंकि मैंने बनाई ये पॉलिसी, मैं पेरेंट एंटिटी हूँ, मैंने ये पॉलिसी बनाई है, एंड देन यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस पॉलिसी नाउ, ताकि हम लोग आगे जो है बिजनेस को फॉलो कर सके, बिजनेस को अच्छे से कर सके, ठीक है। एंड नाउ तो क्या ये जो है आपका, हम ये मानेंगे कि ये कि आपका पोएम इंडिया में होगा? नाउ इन दिस केस आपका जो पोएम है वो इंडिया में नहीं होगा, ठीक है। इस केस में आपका जो पोएम है वो इंडिया के अंदर नहीं होगा। थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई जस्ट कैन सी थैंक यू ओनली। एंड हो सके तो प्लीज ये जो लेक्चर्स है प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बिकॉज आई जस्ट लव इंटेंशनल टैक्सेशन अ लॉट। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना पसंद है, बिकॉज दिस इज द मेन प्रैक्टिस ऑफ मी, एंड इसलिए शायद मुझे ज़्यादा मज़ा भी आता है, एग्जाम्पल्स भी मेरे को बहुत मज़ा आता है बनाने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज ये बेसिकली रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है मेरे लिए तो एटलीस्ट, ठीक है। या सो यहाँ तक समझ में आया वो जो सीबीडीटी सर्कुलर है, क्योंकि कई बार आपको कंटेंट हो सकते हैं समझ में ना आए, लेकिन क्योंकि हमें कंटेंट भी समझना है, ओपन बुक एग्जामिनेशन है, सो वी शुड बी वेल अवेयर कि आपके कंटेंट में क्या लिखा है, कहीं भी लिखा हो लेकिन एटलीस्ट अपने माइंड में होगा तो इट्स वेरी इजी कि आपको चीजें रिटेन रहें। याद अपने को कुछ करना नहीं है, समझना है सब कुछ, राइट, ओके, चलो। It is further mentioned in the said circular that the provisions of general anti-avoidance rule GAR के जो provisions हैं आपके लग सकते हैं जहाँ पे आप इस जो है इसको as a tax planning use करते हो। So obviously हो सकता है, basically क्या होता है कि normally मैं आपको बताऊँ, suppose कोई foreign company है, ठीक है, और ये Indian company है। एक्चुअल में बता रही हूँ क्या होता है कि अभी यहाँ पे सपोज करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है यहाँ पे की डिसीजंस लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे की डिसीजंस लेते हैं एक्चुअल में, बट इसको लोग क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं कि मेन डिसीजंस बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल हो रहा है वो किसके किसके थ्रू हो रहा है, कि अगर कोई साइन भी करेगा ना तो फॉरेन कंपनी में सपोज करो कोई सीईओ बैठा है तो वही करता है, डॉक्यूमेंट भी साइन सब कुछ वही करेगा। तो देखने में तो क्या लगेगा, देखने में तो लगेगा कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कि फॉरेन कंपनी ने किया है, डिसीजन भी यहीं से लिया गया होगा, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये टैक्स प्लानिंग बन जाते हैं। बिकॉज अगर किसी का पोएम इंडिया में बन गया, सो पोएम इंडिया में लोग अवॉइड करना क्यों चाहेंगे? प्रैक्टिकली सपोज का ये फॉरेन कंपनी है, ये पोएम इंडिया में अवॉइड करना क्यों चाहेगी? ये पोएम इंडिया में अवॉइड करना इसलिए चाहेगी क्योंकि उसकी फिर इंडिया में भी टैक्सेबल हो जाएगी इनकम, और क्योंकि ये तो कंपनी फॉरेन कंपनी जो है ये यूएसए में भी रेजिडेंट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यहाँ पे भी इसका टैक्स लगेगा यूएसए में और इंडिया में भी इसका टैक्स लगेगा यूएसए में, तो ये ऑब्वियसली इस चीज को अवॉइड करनी चाहेगी कि दोनों कंट्रीज में टैक्स लगेगा। अब क्या एक टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट होता है, क्या आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है? द आंसर इज यस, ठीक है। क्या जैसे टैक्स क्रेडिट होता है क्या आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है? द आंसर इज यस। क्या आपको पूरा टैक्स क्रेडिट मिल जाता है? द आंसर इज नो। उसके लिए फॉर्मूला लगाते हो आप, यूएसए में यूएसए वाले लॉस के हिसाब से लगाओगे, इंडिया में इंडिया के लॉस के हिसाब से लगाओगे, एंड कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। नुकसान कैसे होता है मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एक्चुअल में मैंने अभी लास्ट ईयर एक आईटीआर फाइल करी थी, एंड वो पर्सन जो था केनिया का था, मतलब वो पर्सन इंडिया का था, उसको केनिया से इनकम हुई थी, से 30 या 40 लाख की हुई थी। दिस इज द आईटीआर दैट आई हैव फाइल्ड इन एक्चुअल। अब क्या हुआ, केनिया में उसका जो टैक्स कटा कितना, 40,000 रुपीज का INR वैल्यू, मतलब INR में हमने उसको कन्वर्ट करा, केनियन जो भी मनी होता है उसके हिसाब से था,
लेकिन उसको हमने बाद में कन्वर्ट करा तो देखा हमने 40,000 INR का था, ठीक है। और ये सॉरी इनकम हार्डली आई थिंक 3 या 4 लैक्स थी, इनकम जो थी वो आपकी हार्डली 5 लैक्स के अंडर ही थी। नाउ डबल टैक्सेशन में आपको क्या दिक्कत आती है कि सपोज करो 5 लैक्स के आपके इनकम पे आपका केन्या से आपका जो TDS है वो कट गया 40,000 रुपये का, इंडिया में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसकी, आप ITR फाइल कर रहे हो। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 लाख की उसकी इनकम हुई है, ऑब्वियसली इसका जो टैक्स है इंडियन लॉस के हिसाब से तो 0 बनता है, इंडियन लॉस के हिसाब से इस बंदे का जो टैक्स है वो तो 0 बनता है, लेकिन मुझे ऑब्वियसली टैक्स क्रेडिट भी चाहिए, मुझे ऑब्वियसली टैक्स क्रेडिट भी चाहिए 40,000 रुपये का। तो क्या आपको इंडियन गवर्नमेंट रिफंड करेगी क्या ये 40,000 रुपये? द आंसर इज नो, इंडियन गवर्नमेंट आपको कोई रिफंड नहीं करती अमाउंट, टैक्स क्रेडिट इज समथिंग आप क्रेडिट ले लोगे। समझा रही हूँ सुमित, मैं दोबारा समझा रही हूँ, बस एक मिनट रुक जाओ। यस इतने मुझे बताओ, यहाँ पे कोई क्वेरी है तो मुझे अच्छे से बताओ, मैं ये वाला फिर से समझा देती हूँ कि मैं क्या समझा रही थी कि पोएम लोग अवॉइड करना क्यों चाहते हैं। आई वॉज जस्ट शेयरिंग कि पोएम लोग अवॉइड करना क्यों चाहते हैं, ठीक है। एक मिनट में सभी स्टार्ट कर रही हूँ। सो अब यहाँ पे कोई क्वेरी हो तो मुझे बताओ, या ठीक है अब स्टार्ट करें। सॉरी फॉर द कुछ दिक्कत हो तो, या देखो पोएम चलने लोग अवॉइड इसलिए करना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल ले रही थी कि एक बंदा था इंडिया का, सपोज करो मिस्टर ए है, सपोज करो मिस्टर ए है, उनको जो है केन्या से इनकम हुई 5 लाख रुपीज़ की, उनका TDS कटा 40,000 रुपीज़ का केन्या की करेंसी में, मुझे केन्यन मुझे डॉलर का करेंसी का नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। आपके घर पे पूजा है, मेरे घर पे कोई पूजन आपका व्यक्ति नहीं है, बट वैसे भी नॉर्मल पूजा पूजा नहीं है, इट्स जस्ट आई थिंक कुछ बाहर की वॉइस है जो अभी चली गई है, आई होप अब नहीं आ रही है। तो अब मैं स्टार्ट करूँ अपना लेक्चर, या मेरे घर वाले तो ऊपर में नहीं करेंगे कुछ ऐसे ही होगा तो, क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ, या सो देखो एक इंडिया का बंदा था मिस्टर ई, इसके रिटर्न मैंने लास्ट ईयर फाइल करी थी, उसको केन्या से इनकम हुई 5 लाख रुपीज़ की और केन्यन डॉलर्स में जब मैंने उसको कन्वर्ट किया INR में सो डैट वॉज कमिंग रुपीज़ 37,000 एक्चुअल में, बट येस लेट्स टेक फॉर द एग्जाम्पल 40,000 रुपीज़, ठीक है। सो 5 लाख की इनकम पे 5 लाख भी ये INR में कन्वर्ट करके आया, ठीक है। 5 लाख की इनकम में नहीं ये घर पे नहीं था, ठीक है। सो 5 लाख की इनकम में आपको जो है INR में ये केन्यन की जो भी करेंसी है उसको कन्वर्ट करके उसका INR आया था 5 लाख का, वो TDS था उसका कटा था केन्यन की करेंसी में, वो आया था 40,000 का, ठीक है। नाउ इस केस में क्या हुआ कि जब मैंने उसकी ITR फाइल करी एंड ITR फाइल करने में क्या आया इसका कि मैं लड़ाई नहीं करती हूँ, वैसे मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, या सो आई एम अ वेरी मतलब बहुत शांत लोग नहीं होते जैसे काम टाइप उस टाइप के पर्सन, ओके। सो एनीवेज सो ITR जब मैंने फाइल करी तो ऑब्वियसली 5 लाख तक तो आपको रिबेट ही मिल जाता है इनकम पे, आपका जो टैक्स आया मेरा जो टैक्स आया वो 0 आया, ठीक है। मैंने टैक्स क्रेडिट लेना चाहा कितने का 40,000 रुपये का। नाउ मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या, क्योंकि टैक्स तो मैं ऑब्वियसली केन्यन गवर्नमेंट को तो मैं दे चुका हूँ, केन्या के गवर्नमेंट को तो मैं टैक्स दे ही चुका हूँ, तो क्या ये जो 40,000 रुपये हैं क्या मुझे ये गवर्नमेंट से रिफंड मिल जाएंगे, ये जो 40,000 रुपये हैं क्या ये मुझे इंडियन गवर्नमेंट से रिफंड मिलेंगे या नहीं। द आंसर इज नो, ये जो 40,000 रुपये हैं ये आपकी बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट से रिफंड आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा एक बात बताओ, तुम केन्या की गवर्नमेंट को पैसे देके आ गए हो
और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, जाके उस गवर्नमेंट से मांगू? ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट आपको देगी नहीं, क्योंकि उसके टैक्स आपको अलाउ नहीं करेंगे। मैं आपको टैक्स क्यों दूं यहाँ पे? इंडिया ऑब्वियसली यही बोलेगी ना कि मैं आपको टैक्स क्यों दूं यहाँ पे। ही वॉन्ट टू सी योर सी जनी वीडियो, इट हैज़ बीन फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। लेट्स सी इफ आई कैन मेक इट समडे, देन डेफिनेटली आई विल लेट यू नो अबाउट इट। आई विल शेयर इट विद एवरीवन। अगर कोई मजाक ना उड़ाए तो बात अलग है। या सो ठीक है नाउ पक्का अगर ऐसा होता है तो मैं एक बार बता दूंगी दीपक, लेकिन ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा यहाँ की ऑडियंस थोड़ी सी क्या बोलूँ मैं, ठीक है एनीवेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है सो ऑब्वियसली इंडिया आपको क्रेडिट नहीं देगी, ठीक है इंडिया आपको क्रेडिट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो बोलेगी कि भाई तुम तो केन्या को देके आए हो ना, पैसे जाके केन्या से मांगो, केन्या के पास जाओगे तो केन्या क्या बोलेगी, भाई मेरा तो टैक्स लॉज ये कहते हैं मैं तो पैसे डिडक्ट करके ही रहूंगा। सो टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है कि सपोज करो अगर इस बंदे की लायबिलिटी टैक्स इसकी लायबिलिटी से आ रही होती कितनी 60,000 रुपए, तो टैक्स उसको क्रेडिट मिल जाता, तब उसको 40,000 का क्रेडिट मिल जाता कि भाई ठीक है तुम एडजस्ट कर लो, 20,000 रुपए मुझे पे कर दो। इंडिया गवर्नमेंट ऐसा मान लेती, ठीक है इंडियन गवर्नमेंट ऐसा मान लेती कि आपका जो 20,000 रुपए है ठीक है तुम मुझे पे कर दो, बट मैं 40,000 का रिफंड नहीं दूंगी। सो व्हाट हैपेंस कि मैं यहाँ पे क्या डिस्कशन ऐसा क्यों बता रही हूँ कि जब हम पोएम को डिफाइन करते हैं, व्हेन वी डिफाइन द पोएम, सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जो मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंपनीज है, दे वॉन्ट टू अवॉइड कि उनका पोएम इंडिया में ना बने प्रैक्टिकली। वाई दे वॉन्ट टू अवॉइड द सेम? क्योंकि अगर उनका पोएम इंडिया में बन गया और सपोज करो उनको यहाँ भी टैक्स देना है वहाँ भी टैक्स देना है, तो हो सकता है उनका जो टैक्स क्रेडिट है उसका जो है नुकसान कहीं ना कहीं वो बियर करना पड़ेगा उनको। और अगर सपोज करो आप डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस के हिसाब से, अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के हिसाब से अगर आप ये प्रूफ कर देते हो, अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के हिसाब से अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि भाई आप फॉरेन कंपनी में ही कर रहे हो, भले ही इंडिया में आपका कोई बंदा कोई डायरेक्टर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी की डिसीजन ले रहा हो, और कल को गवर्नमेंट को पता लग जाए कि आपकी ये जो डिसीजन आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं वो गलत हैं, सो इन दैट केस आप पे गार के प्रोविजंस लग जाएंगे, जो कि आई होप आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको उनका जो जो जब हम बैप्स करेंगे तब मैं इसमें गार के प्रोविजंस भी मिक्स कर दूंगी, ठीक है। बैप्स इज बेसिकली बेस इरोजन एक्शन प्लान, जो कि बहुत मजा आता है पढ़ने में, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको भी डेफिनेटली आएगा। सुमित सिंह, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सी कर ली थी क्या? द आंसर इज नो, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं है, इट हैज बीन फुल ऑफ फेलियर्स। Yeah, I'm preparing for November 21. Was looking for good taxation tutor. आज मिल गया, I'm calling you. Okay, my target is 80 plus in IDD. Okay, पक्का हम लोग इसको साथ में बैठ के करेंगे। और yes, ये open book examination है, study material से करें ताकि जब आप book लेके जाओ तो आप study material से उसको देख सको। क्या सिर्फ CA में ही open book examination हुआ है? The answer is no. LLB में भी आपका open book examination होता है third year के अंदर, ठीक है। सो ओपन बुक एग्जामिनेशन होते हैं, बट ओपन बुक में मतलब ये नहीं होता कि बुक में है तो ऑब्वियसली आपको जो है बहुत इजी आता है। केस स्टडीज आती है बहुत बड़ी बड़ी, जहाँ पे आप कई बार घूम जाते हो कि भाई क्या लिखा है इसमें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो काफ़ी टाइम लगता है उनके स्टडीज़ को सॉल्व करने में। तो इवन इफ आपके सामने बुक है, स्टिल आपके जो प्रोविजन्स है वो माइंड में क्लियर नहीं है, जो आपके कॉन्सेप्ट है वो माइंड में क्लियर नहीं है, सो समटाइम्स इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, ओके, even if it is a open book examination. So now यहाँ तक हमने कर दिया, कहाँ तक कर दिया हमने? अच्छा जब मैं इनकम की बात करती हूँ कि आपको टोटल इनकम लेनी है तो आपको क्या लेना है, आपको लास्ट पिछले 3 सालों की आपको इनकम लेनी है। सो जब मैं पैसिव इनकम में आपसे बात कर रही थी कि पैसिव इनकम में क्या है या टोटल इनकम क्या है, तो उस केस में आपको क्या करना है, पैसिव इनकम है और आपकी टोटल इनकम है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको टोटल इनकम देखनी है, पिछले 3 सालों की आपको टोटल इनकम देखनी है, उसका एवरेज निकालना है एंड अकॉर्डिंगली आपको जो है टोटल इनकम
और पैसिव इनकम का आपको बाइफर्केशन देखना है, ठीक है। अब सपोज करो, अब आपको पता है कि जैसे यूएसए है, यूएसए में आपका कैलेंडर ईयर चलता है, कैलेंडर ईयर से काउंटिंग ईयर, मतलब कि जैसे फेडरल टैक्स रिटर्न हम लोग वहाँ पे फाइल करते हैं, जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न होती है, यूएसए में आपकी फेडरल टैक्स रिटर्न होती है, FEDERAL फेडरल टैक्स रिटर्न। आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह जाते हैं, फॉर्म्स 1120, 1099, अलग अलग टाइप के फॉर्म्स होते हैं। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू लाइक फोकस अपॉन, बट यस, शिवांगी इस नवंबर अटेम्प्ट इज ओपन बुक एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ जो पेपर 6 है इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला, वो आपका आपका ओपन बुक है। पेपर 6C यहाँ पे चल रहा है, का डिस्कशन चल रहा है, बाकी तो आपके सारे डिस्क्रिप्टिव बेस्ड ही हैं, बाकी तो सारे आपको वैसे ही रखने हैं। पेपर 6C आपका इलेक्टिव पेपर है, तो वो आपका ओपन बुक होता है, राइट। फॉर ऑल पेपर्स नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये जो टोटल इनकम आपको लेनी है, ये आपको पिछले 3 सालों की लेनी है। नाउ अब बात आती है यूएसए में जो आपका कैलेंडर ईयर है वो चलता है, इंडिया में आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो क्या चलता है। आपका अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो आपका चलता है, वो बेसिकली चलता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर जैसे फाइनेंशियल 2021 से 31/3/2021, मतलब अप्रैल से मार्च तक का हो गया। या अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में आपका जुलाई से चलता है, ओके, नो इश्यूज दीपक, नो इश्यूज। ऑस्ट्रेलिया में आपका जुलाई से चलता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2020। मुझे एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकती हूँ, मैं टीचर तो हूँ, बट यस ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा एक होता है ना पढ़ाते वक्त कि सब लोग एक साथ मिलके पढ़ें, ठीक है, तो नो इश्यूज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मेरा पानी भी खत्म हो गया है, ठीक है। सो अब ये जो अकाउंटिंग ईयर है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ठीक है। सुमित सिंह, आप डेली पढ़ाते हो क्या? यस, 7 से 9 बजे मैं डेली पढ़ाती हूँ, और अभी आपका जो केस स्टडी डाइजेस्ट के जो आपके क्वेश्चन हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल टैक्सेशन के थोड़े से टिपिकल हैं, जो बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे तो कर पा रहे हैं, तो वो भी आपकी क्लास होगी ऐप पे, मंडे को 2 बजे होने वाली है वो क्लास, और यहाँ पे 7 से 9 भी चलेगी। सो कितने बजे, मैं जनरली 7 से 9 ही आती हूँ, 7 to 9 पे मैं आपको पढ़ाती हूँ जनरली, बट यस वी कैन डिस्कस अगर आपको वो टाइम नहीं सुटेबल होता है। 7 से 9 पढ़ाने का मेरा एक रीज़न है, तो वो मैं अपने पास रखती हूँ, बट यस इसलिए ही मैं वो 7 से 9 प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बट आपको अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप वो नेक्स्ट क्लास में या जैसे भी है मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो जल्दी 7 से 9 पे ही हुए हैं। शुरू के आई थिंक 1-2 लेक्चर्स थे जो आई थिंक 2 बजे के आसपास हुए थे या 10 के आसपास हुए थे, बट अभी 7 से 9 डेली क्लास होती है। या सो नाउ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि आपको टोटल इनकम लेनी है, तो आपके माइंड में जल्दी ये बहुत बहुत ज़्यादा कई बार कंफ्यूजन होता है कि इंडिया में तो आपका अप्रैल टू मार्च तक का आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है, यूएसए में आपका जो है कैलेंडर ईयर चलता है, ठीक है। सो आपको एज ए कंसल्टेंट, मैं एज ए कंसल्टेंट बात क्या यहाँ पे कर रही हूँ, कि एज ए कंसल्टेंट आपको एज ए कंसल्टेंट आपको एक बार कंफ्यूज होती हो कि आपको अप्रैल टू मार्च वाला यूएसए का डेटा लेना चाहिए टोटल इनकम निकालने के लिए, या फिर आपको जो है उसका यूएसए का डेटा को आप कन्वर्ट करोगे फाइनेंशियल ईयर में और फिर आप उस डेटा को कंसिडर करोगे। सो इस केस में ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन गिवन है, वो बोलते हैं कि सपोज करो 1 अप्रैल 2020 है, उससे 31 मार्च 2021 है, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर अगर आप 2021 की हम लोग बात करते हैं तो, ठीक है। सो अगर उसमें जो भी आपका कैलेंडर ईयर जो भी क्लोज हो रहा है, अब इस पीरियड के बीच में कौन सा कैलेंडर ईयर आपका क्लोज हो रहा है, मैं प्रैक्टिस में हूँ दीपक, आई एग्री, बहुत एंजॉय करें, यस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, या सो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 को फाइनेंशियल ईयर 2021 भी आपका जो बेसिकली
जो भी कैलेंडर ईयर आपका क्लोज हो रहा है, कौन सा कैलेंडर ईयर आपका क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर 2020 में आपका कैलेंडर ईयर क्लोज हो रहा है। एंड क्योंकि आपका कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर 2020 में हो रहा है, तो पिछले कौन से पिछले 3 साल आपको लेने हैं, 31/12/2019, 20 तो आपने ले लिया, 19 हो गया और 31/12/2018। सो इन तीनों ईयर्स का आप जो है एवरेज लोगे टोटल इनकम का, एंड अकॉर्डिंगली आप जो है इसको सॉल्व करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नहीं समझ में आया तो बताना। ठीक है, 18, 19, 20, यस 18, 19, 20, समझ में आया या नहीं आया तो मुझे फिर से बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे अब कॉन्सेप्ट पे जा रही हूँ। माई सी जर्नी, आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ठीक है, एनीवेज ओके, चलो अब मैं आगे बढ़ू। ठीक है, सो पोएम निकालने के लिए अपने को देखना है क्या कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है या नहीं। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया आ गया, सारी कंडीशंस 6 के 6 कंडीशन आपने देख ली, मतलब 5 कंडीशन आपकी हैं और 6 एक्सेप्शन में आप फॉल नहीं कर रहे, सो इन दैट केस क्या होगा, आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया माना गया। इन दैट केस आपका पोएम इंडिया में नहीं माना जाएगा, और पोएम इंडिया में नहीं माना जाएगा तो आप नॉन रेजिडेंट कहला दिए जाओगे। ठीक है, ओके, नाउ अगर आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, सो दैट मींस आपका इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ बिजनेस चल रहा है, और अगर आपका इंडिया के अंदर बिजनेस चल रहा है तो यहाँ पे आपका 2 स्टेज में डिवाइड होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है, सो स्टेज 1 आपका क्या है, आइडेंटिफाई द पर्सन हु एक्चुअली मेक द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनी एज ए होल, कि आपको की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजंस देखने हैं कि कौन पर्सन है ऐसा जो कि ये ऐसे की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजंस को ले रहा है। उस पर्सन को आइडेंटिफाई करो, उस बंदे को आइडेंटिफाई करो जो कि आपके की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस ले रहा है, जो बिजनेस को चलाने के लिए आपके डिसीजन ले रहा है, आइडेंटिफाई द पर्सन। फिर उसके बाद ये देखो कौन से प्लेस से ले रहा है, कहाँ से ले रहा है वो, कौन से प्लेस से वो जो है डिसीजन को ले रहा है ये आप देखो। इम्प्लीमेंटेशन जरूरी नहीं है, बट कौन सी प्लेस से ले रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब ये आपका एक चार्ट गिवन है स्टडी मटेरियल पे, जस्ट रिवाइज करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि जो डिटरमिनेशन ऑफ पोएम है इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैटेगराइजेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज। पोएम को आप कैसे डिटरमिन करोगे, आप एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का जो है बिजनेस टेस्ट करोगे, उसमें आप देखोगे कि कंपनीज फुलफिलिंग द टेस्ट ऑफ ए बी ओ आई, कि क्या जो कंपनीज हैं वो ए बी ओ आई का टेस्ट को फुलफिल कर रही हैं या नहीं। सो इस केस में आप क्या करोगे कि पोएम आउटसाइड इंडिया, आपका जो पोएम है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ठीक है, आपका जो पोएम है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया, अगर पोएम के आप 4 कंडीशंस देखोगे, और आप ये भी देखोगे कि आपकी जो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग्स है वो बाहर हुई है या नहीं। इफ डी फैक्टो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज नॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट इंडियन पेरेंट और रेजिडेंट, डी फैक्टो मतलब होता है एक्चुअल, तो अगर आपके पास कोई बुक है तो प्लीज राइट डी फैक्टो को अंडरलाइन करके एक्चुअल। क्या ये आपको याद कर रखना है कि डी फैक्टो का मतलब एक्चुअल होता है। सो डी फैक्टो का मतलब बेसिकली आप लिख लो, ताकि आप कल को कहीं भी रिवाइज करो, कभी भी रिवाइज करो, एटलीस्ट आपके पास मीनिंग पता होगा। बिकॉज समटाइम्स अपने को वर्ड समझ में नहीं आते हैं, सो एटलीस्ट राइट फैक्ट, डी फैक्टो मतलब फैक्ट, मतलब फैक्ट मतलब फैक्ट मतलब एक्चुअल, एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, सो डी फैक्टो जो अगर जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं है, किसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फॉरेन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं है, बट किसके पास है, या तो इंडियन पेरेंट के पास है, इंडियन होल्डिंग कंपनी के पास है, या फिर रेजिडेंट के पास है, तो पोएम आपका इंडिया के अंदर माना जाएगा।
नेक्स्ट आता है कंपनीज अदर देन दोस फुलफिलिंग द टेस्ट ऑफ एबीआई, ऐसी कंपनीज जो कि एबीआई का टेस्ट फुलफिल नहीं करती हैं, तो स्टेज वन में क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन हु एक्चुअली मेक द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन फॉर कंडक्ट ऑफ द कंपनीज एज ए होल, मतलब आपको वो लोग आइडेंटिफाई करनी है जो कि की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन लेते हैं एंड उनका डिटरमिन करना है कहाँ से वो लेते हैं डिसीजंस को. फिर एबीआई का ये चार्ट आपको गिवन है जो कि एबीआई का टेस्ट हमने देखा था पैसिव इनकम वगैरह वाला, वो पूरा चार्ट गिवन है आपको. नीचे आपको पैसिव इनकम डिफाइन कर रखा है. अब हम पढ़ते हैं कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच मे बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमिनिंग द पोएम आर एज फॉलोज. ठीक है, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं पोएम को फाइनल करते वक्त. ठीक है ना, ठीक है लो, अब कौन कौन से हैं, अब मैं सोच रही हूँ पहले मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको जो टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस हैं एंड देन हम कुछ कंडीशंस देखेंगे पोएम की, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपका काफी टाइम जाएगा और दो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 and 2 टेस्ट और नॉलेज के, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं एंड देन आपका एटलीस्ट जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा, फिर हम ये वाला जो है स्टार्ट कर देंगे. सो स्टार्ट करिए टेस्ट योर नॉलेज, लेट्स टेस्ट योर नॉलेज. ओके यस, कल का जो सेक्शन 6.1 है पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करा दूंगी. अगर नहीं है तो प्लीज आप एक बार उसको देख लेना उस लेक्चर को, सो डेट आपको वो याद हो जाए. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. मिस गीता इज अ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूके, जो मिस गीता है वो कहाँ पे, मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूके एंड इज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री एंड वो उस कंट्री की सिटीजन है. हर पेरेंट्स एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स वर आल्सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूके, तो उसके जो पेरेंट्स हैं और जो भी ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं वो भी उसके बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूके हैं. बट हर पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब कि जो ग्रैंड पेरेंट्स के भी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बॉर्न इन लाहौर पाकिस्तान बिफोर द ईयर 1940, मतलब 1940 से पहले जो है उसके पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं. ठीक है, मतलब कि अनडिवाइडेड इंडिया से पहले, अनडिवाइडेड इंडिया आते ही पहले क्या होगा, अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. सो दैट मीन्स जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा मुझे ये तो समझ में आ गया कि शी इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है. यहाँ पे मुझे समझ में आ गया जो मिस गीता है, क्योंकि जो उनके उसके पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स थे वो क्या है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे. ठीक है ना, शी विजिट्स इंडिया एवरी ईयर फ्रॉम 1 May to 31 July, वो एवरी ईयर आती है 1 May से 31 July के लिए. देन वॉट इज हर रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, अज्यूमिंग दैट हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज इज 20 lakh, तो उसका मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है. ठीक है, अगला लेक्चर सी ए जर्नी, ऑब्वियसली अगर अनकेडमी वाले बोलेंगे तो डेफिनेटली कोई बात नहीं, शेयर कर देंगे. जीवन इज सिंग, हाई, हेलो जीवन, कैसे हो आप, आई होप आप अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे होंगे. सॉरी फॉर सच अ बैड जोक, आई मीन या सो अब देखो मैंने जो है आपको सेक्शन 6 में दो चीजें बताई थी, सेक्शन 6.1 और सेक्शन 6.1A. जो 6.1A था वो डीम्ड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट था, वो किसका कॉन्सेप्ट था, डीम्ड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट था. ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी से ताकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा सकूं. अगर आपको कोई पर्सन रेजिडेंशियल स्टेटस आपको डिफाइन करना है तो दो कंडीशन थी, कंडीशन 1 and कंडीशन 2. कंडीशन 1 के लिए आपको देखना था कि 182 days या मोर अगर कोई पर्सन रहता है तो ऑब्वियसली वो रेजिडेंशियल स्टेटस उसका माना जाएगा. कंडीशन 2 के लिए आपको 60 plus
कंडीशन टू के आपका 60+4 ईयर्स का आपका 365 डेज और मोर का आपको कंडीशन देखना था, सो दैट वाज कंडीशन टू। मैं यहाँ पे आपको ज्यादा रिवाइज ये इसलिए नहीं करा रही क्योंकि ऑलरेडी ये मैं कवर कर चुकी हूँ, 2 बार कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। बट ऑब्वियसली ये हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे, बाद में रिवाइज करेंगे, ठीक है। नाउ दो कंडीशन में आपका जो है एक्सप्लेनेशन होगा। नाउ एक्सप्लेनेशन क्या होता है बेसिकली, नाउ दो कंडीशन में आपका जो है आपका 182 वाला डेज माना जाएगा, 60+365 डेज का कंडीशन नहीं आएगा। वो कौन कौन सी है बेसिकली, अगर आप इंडिया को लीव करके जाते हो और अगर आप एज ए मेंबर ऑफ प्रूफ ऑफ इंडियनशिप जाते हो और फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए जाते हो, तो जो 60 डेज का लिमिट है वो 182 डेज हो जाएगा। और अगर 182 डेज हो ही गया तो कंडीशन नंबर टू क्या ही लगेगी, 182 डेज के लिए कंडीशन नंबर वन ही एप्लीकेबल है। और इसमें कौन कौन होना चाहिए, उसमें सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया गिवन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं गिवन है। नेक्स्ट सेकेंड एक्सप्लेनेशन थी कि अगर आप इंडिविजुअल हो जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो, सिटीजन ऑफ इंडिया भी हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो जो कि बाहर से इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है इन एनी प्रीवियस ईयर, द प्रोविजंस ऑफ सब क्लॉज सी, तो आपका 182 डेज माना जाएगा, ठीक है। और इसके साथ एक और कंडीशन थी कि अगर कोई सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसकी इनकम इंडियन सोर्सेज से 15 लाख से एक्सीड करती है, सो इन दैट केस आपकी जो 60 डेज की लिमिट है वहाँ पे 60 डेज की जगह वो आपकी 120 डेज हो जाएगी। वहाँ पे 60 डेज की लिमिट है वहाँ पे वो 60 डेज की हटा के वो आपकी 120 डेज हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ ठीक है, अब 61A में हमने क्या पढ़ा था, लेट्स गो टू 61A। 61A बोलता है कि अगर आप कोई इंडिविजुअल हो वो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब अगर वो पिछली वाली कंडीशन देखो तो अगर आप कोई इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और आपकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख रुपए से एक्सीड करती है, सो इन दैट केस 60 डेज की लिमिट 120 डेज हो जाएगी। दैट मीन्स 120 डेज प्लस 4 ईयर्स में हमें 365 डेज देखनी है। दैट इज द कंडीशन गिवन इन सेक्शन, इन द एक्सप्लेनेशन गिवन इन दैट सेक्शन, सेक्शन 61 में आपको गिवन है। फिर डीम्ड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो ये जो डीम्ड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ सिटीजन पे एप्लीकेबल है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे एप्लीकेबल नहीं है। एक तो यहाँ पे ध्यान रखो, इसमें आपकी इनकम जो है 15 लाख से एक्सीड करनी चाहिए, प्लस इसमें एक ये जो मेन कंडीशन है, ये जो लाइन ऐड की गई है, दिस इज अ मेन लाइन कि और किसी कंट्री में आपको जो है टैक्स नहीं लगना चाहिए, तभी जाके आप जो है इस पे आपका जो है डीम्ड रेजिडेंट आप यहाँ पे माने जाओगे। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो देखो यहाँ पे जो गीता है ना वो इंडियन सिटीजन तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो यूके की सिटीजन है। लिखा क्या, यूके एंड इज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, यूके की ही वो सिटीजन है, वो इस कंट्री की सिटीजन नहीं है, ठीक है। नाउ हर पेरेंट्स एंड मैटरनल, अब नेक्स्ट आते हैं आपका कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। सो अगर डीम्ड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट देखो तो वो तो इंडियन सिटीजन पे ही एप्लीकेबल है। क्या यहाँ पे गीता जो है इंडियन सिटीजन है इस क्वेश्चन में, द आंसर इज नो। सो हमेशा ध्यान रखना जो डीम्ड रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा इंडियन सिटीजन पे एप्लीकेबल है। इन दिस क्वेश्चन गीता इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, शी इज अ यूके का सिटीजन। सो क्योंकि वो यूके की सिटीजन है, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि हमारा जो है ये वाला आपका सेक्शन जाएगा, एक्सप्लेनेशन जाएगी और इसमें आप इसको देखोगे फॉल करता है या नहीं, क्योंकि वो पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन है, उसकी इंडियन सोर्सेज से लाइक व्हाट इज रिटन, हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज इज 20 लाख रुपीज, उसकी इंडियन सोर्सेज से कितनी इनकम है 20 लाख रुपीज है, दैट मीन्स 15 लाख से एक्सीड करती है, तो आपकी जो आपका जो टाइम लिमिट है वो 120 डेज का आ जाएगा। नाउ इसमें वो इंडिया में कितने दिन रहती है, 1 मई से 31 जुलाई, तो देखो 31 डेज आपके मई के 31 डेज, जून के आपके 30 डेज और 31 जुलाई के आपके 31 डेज, तो कितने दिन हो गए, 92 डेज वो इंडिया में रही। क्या उसने 120 डेज की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करी, उसने नहीं सेटिस्फाई करी, तो क्या वो रेजिडेंट मानी जाएगी या नॉन रेजिडेंट, शी विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट, ठीक है, शी विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट, वो NR आपकी मानी जाएगी, नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी, इसलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। तो एक बार आप इसका आंसर पढ़ लिए ना आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। मेरे से कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेरी हो तो बताओ।
यहाँ पे कोई क्वेरी हो तो बताओ। डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल मतलब होता है जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हो, द कंट्री जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू एक बार देख लेते चलो आंसर भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो इन फ्यूचर। प्लीज आंसर। या देखो, सिस मिस गीता इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहाँ पे जो गीता है वो इंडियन ओरिजिन है। हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, क्योंकि जो गीता है वो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती है, जो कि आउटसाइड इंडिया रहती है, वो विजिट के लिए आती है इंडिया के अंदर। शी वुड बी ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट एज पर सेक्शन 6(1) इफ हर स्टे इन इंडिया इज फॉर 182 डेज इन प्रीवियस ईयर 2021 और हर स्टे इन इंडिया इज फॉर 120 डेज इन द प्रीवियस ईयर 2021। सो अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर, तो उसमें कंडीशन नंबर 1 भी लगती है, कंडीशन नंबर 2 भी लगती है। कंडीशन नंबर 2 में आपके 60 डेज की जगह 120 डेज आपको लेना है एंड 365 डेज इन द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्योंकि उसकी जो टोटल इनकम है वो अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज वो 15 लाख से एक्सीड करती है। हाउएवर इन दिस केस, क्योंकि वो सिर्फ 92 डेज ही रहती है, इसलिए वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। 6(1) ने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो इंडिविजुअल, क्योंकि जो उसकी इनकम है सारी कंडीशन सेम है, बट क्या है वो उसका, इफ शी इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री बाय रीजन ऑफ हर डोमिसाइल और रेजिडेंस और अदर क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल टू मिस गीता सिंस शी इज नॉट एन इंडियन सिटीजन। क्योंकि मिस गीता इंडियन सिटीजन नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन वी विल कंक्लूड आवर क्लास फॉर टुडे। वी विल प्रोसीड विद दिस एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। ओके ठीक है। नाउ ब्लशिंग कांट कंट्रोल लाफ कौन, अच्छी बात है। आई मीन दानोबे लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एम। दानोबे लिमिटेड एक कंपनी है जो कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एम। ठीक है, एंड 55% ऑफ इट्स शेयर्स आर हेल्ड बाय महानदी प्राइवेट लिमिटेड। और जो 55% ऑफ इट्स शेयर्स हैं वो कहाँ पे है? महानदी लिमिटेड पे है, एन इंडियन कंपनी। दानोबे लिमिटेड हैज इट्स प्रेजेंस इन इंडिया ऑल्सो। दानोबे लिमिटेड का जो है प्रेजेंस है वो इंडिया के अंदर भी है। द डिटेल्स रिलेटिंग टू दानोबे लिमिटेड, ये जो डिटेल्स हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो है दानोबे लिमिटेड से रिलेटेड हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है दानोबे लिमिटेड का अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 2021 7 बोर्ड मीटिंग्स वर हेल्ड, 3 इन इंडिया एंड 4 इन कंट्री एम। 7 बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें से 3 आपकी इंडिया के अंदर हुई और आपकी 4 जो है एम के अंदर हुई। ठीक है, सो आपको जो है पोएम बताना है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दानोबे लिमिटेड। सोल्यूशन कैसे करना है? आई प्रीफर कि आप जो है स्टडी मेटल को ही रेफर करो कि कैसे कर रखा है, उसमें कंडीशन 1 कंडीशन 2 दे रखी है। सो कंडीशन नंबर 1 क्या थी मेरी? कंडीशन नंबर 1 थी मेरी किससे रिलेटेड? पैसिव इनकम से रिलेटेड। तो पैसिव इनकम का तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ पे सॉल्व किया था? ये हमने सॉल्व किया था पैसिव इनकम का, इफ यू रिमेंबर। कंडीशन नंबर 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, सो कंडीशन नंबर 1 पे तो मैं नहीं जा रही, टोटल इनकम वाला जो आपका पॉइंट है वो हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं इसी लेक्चर में, तो वो एक बार आप देख लेना कि इनकम वाले जो पॉइंट्स हैं, बेसिकली ये जो सारा पॉइंट है ये हम लोग कवर कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आता है आपका फिक्स असेट्स एंड डेप्रिशिएटेड वैल्यूज। फिक्स असेट्स हो गए, इंटेंजिबल असेट्स हो गए, और ये जो आपके ऊपर वाले पॉइंट है, जब भी आपको लगे ना बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आया, सो वॉट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू डिवाइड द डैट क्वेश्चन, अलग अलग आप उसको डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट्स में। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसको
इसी क्वेश्चन को मैंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मैंने ये पॉइंट आपकी इनकम के लिए ले लिया, ये मैंने इनकम के टाइम पे ले लिया, ठीक है। असेट्स वाला पॉइंट, अब जैसे कंडीशन नंबर 2 पैसिव इनकम वाला जो है ये आपका ऑलरेडी हो चुका है। इसमें क्या था, ट्रेडिंग ऑपरेशन था 25 और 50 का, जिसमें से आपने परचेज एसोसिएटेड से किया, सेल अनरिलेटेड से किया 2 और 4 का, फिर आपने परचेज अनरिलेटेड से किया, सेल एसोसिएटेड से 3 और 5, परचेज एसोसिएटेड से 5 और 10। सो अच्छा, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कहीं पर क्या होगा कि ऑब्वियसली अभी जैसे ये बोल रहा है ना, इट्स शेयर आर हेल्ड बाय महानदी प्राइवेट लिमिटेड इंडियन कंपनी, तो हो सकता है कई बार आपको ये लगे ये जो इंडिया की फिगर्स है ये आपको महानदी की गिवन है। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपको कहाँ से पता चला इंडिया की नहीं, ये दानूबे की ही है, क्योंकि ऊपर इसके जो टेबल के ऊपर जो कभी भी कंटेंट लिखा होता है, जो छोटी सी लाइन लिखी होती है जो हम नॉर्मली इग्नोर ही मारते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना कि दानूबे लिमिटेड हैज इट्स प्रेजेंस इन इंडिया ऑल्सो, और जो डिटेल्स है दानूबे लिमिटेड की वो आपकी नीचे गिवन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। बस ये सेकंड क्वेश्चन मैं कवर कर रही हूँ, या तो आप होमवर्क पे कर लेना एंड अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है ना। सो कंडीशन नंबर 1 हो गई, कंडीशन नंबर 2 पे स्टार्ट करते हैं। कंडीशन नंबर 2 आपकी, चलो मैं ऐसे ही करा देती हूँ ताकि बाद में आप देख लेना। शुड हैव लेस देन 50%, तो आपकी, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन कर रही हूँ एंड देन खत्म हो गया दीपक, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन है। 7 से 9 ही क्लास होती है, सिर्फ क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट कराना है, अदरवाइज मैं बीच में छोड़ूंगी तो शायद अच्छा नहीं होगा। तो मैं जस्ट ये क्वेश्चन करा देती हूँ, जल्दी जल्दी करा देती हूँ, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में टेकअप कर लेंगे, ओके। सो आपको टोटल असेट्स देखनी है। कंडीशन नंबर 2 आपकी क्या है, असेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, देखो फिक्स असेट आपके गिवन है 120 और 80 के, इंटेंजिबल असेट आपको गिवन है 50 200 के, अदर असेट्स आपको गिवन है 40 120 के। तो आपके जो टोटल असेट्स हैं वो कितने हो गए, 120 80 50 200 40 और 120, ठीक है। तो 250 450 490 490 और 120 आ गया 610 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, आपके इंडिया के असेट्स कितने हैं, इंडिया में असेट्स कितने हैं दुबे लिमिटेड के, तो इंडिया में असेट्स हैं आपके 120 50 और 40 120 50 और 40 कितना आ गया, 190 जमा 40 इज 230 करोड़। सो जब आप 230 को 610 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है आपका, लेट्स गो टू द आंसर नाउ, कंडीशन नंबर 2, 210 करोड़ आएगा, सॉरी 170 और 40 है ना, हाँ 210 करोड़ आएगा। 210 करोड़ डिवाइड बाय 610 अगर आप करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 34.43%, ठीक है। अब 34.43% है, डैट मीन्स आपकी जो कंडीशन नंबर 2 है वो भी आपकी सेटिस्फाइड है। कंडीशन नंबर 3 आपके किससे रिलेटेड थी, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय से रिलेटेड थी आपकी कंडीशन नंबर 3। लेट्स गो टू द कंडीशन नंबर 3। वो आपकी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से थी। तो देखो असेट्स वाला पॉइंट कर लिया हमने, इनकम वाला पॉइंट कर लिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वाला 70 और 90 है, ठीक है। तो 70 डिवाइडेड बाई 70 और 90, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं आपके, 160 हैं। इसमें से आपकी इंडिया में कितने एम्प्लॉयज हैं, 70 डिवाइड बाई 160, इंडिया में कितने एम्प्लॉयज हैं, लेट्स गो टू द 3, इट्स 43.75%, 50% से कम है तो आपके ये यहाँ पे आ जाएगा। पेरोल एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, 8 12 20, 8 डिवाइड बाई 20 आपका पेरोल एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा आपका, 20 करोड़ रुपए, ठीक है। सो अगर आप देखो तो आपकी चारों कंडीशंस एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया की जो है सेटिस्फाई हो गई हैं। अब जो चारों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो गई हैं, आप फिर मेजोरिटी ऑफ जो आपकी बिजनेस मीटिंग्स हैं वो भी आपकी हेल्ड आउटसाइड इंडिया है, क्योंकि आपकी टोटल 7 मीटिंग्स हुई हैं, उसमें से 4 आपने जो है आउटसाइड इंडिया ही करी हैं। सो इस केस में MA करी हैं, तो इस केस में आपका जो है ये नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एक बार आप आंसर देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो एक बार हम उसको फिर से टेकअप कर लेंगे। कल फिर से मिलते हैं हम लोग लेक्चर के लिए, आपका ये लिंक क्रिएट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कब आपका लेक्चर है, ठीक है। सो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप मुझसे क्लास में आके भी पूछ सकती हो,
एंड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इजीली पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई यू विद द एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझेंगे। और आई होप आपको ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं, जो भी आपके चल रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। सो नाउ इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड दी एन अकेडमी लर्निंग ऐप, देन आप प्ले स्टोर पर जाइए, इंस्टॉल कीजिए उसको, प्लस का क्लिक कीजिए, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होंगे। यू कैन पुट माई कोड मित्तल करके है, सो आपको सिर्फ 10% का ऑफ मिलेगा एंड सम ऑफर्स आर गोइंग ऑन द ऐप। तो आप उस पर वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर सकती हैं। मेरा नेम है ca.shivangi_mittal, यूजर नेम है शिवांगी मित्तल, के नाम से भी करेंगे तो आ जाएगा, बट ये ca.shivangi_mittal। केस स्टडी डाइजेस्ट के क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व कराऊंगी एक ऐप पे है 2 बजे मंडे को, तो एक बार आप देख लेना उसको, क्योंकि MCQs थोड़े से टिपिकल आ रहे हैं। सो लेट्स अटेंड टू लेक्चर एज वेल, उसको एक बार देख लेना, क्योंकि उसकी जो MCQs की सोल्यूशन है, जैसे ऑप्शन ए लिखा है, बी लिखा है, तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन है। सो वो एक 1 आवर की अभी मैं क्लास लूँगी, जिसमें हम दो MCQs हम लोग करने वाले हैं, 2 questions के स्टडीज वाले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इफ यू रियली लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि वो इसको देख पाए एंड एटलीस्ट उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हो पाए। और अगर हो सके तो उनको बोलना कि वो अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड यू कैन यूज़ माई कोड मित्तल टू गेट 10% ऑफ। एंड थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट संडे, बाय।